फ्लेक्सिबिलिटी को अगर मेडिकल भाषा में बोलेंगे दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी राइट सो जब हम पैदा होते हैं तो भगवान हमारी बॉडी को इलास्टिक बनाता है और धीरे 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 एज यू ग्रो ओल्ड ओल्ड एज का मतलब प्लास्टिसिटी और जब प्लास्टिसिटी होती है दैट इज कॉल्ड हार्ट डिजीज दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट दैट इज कॉल्ड किडनी फेलियर मैं एक उदाहरण देता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड आपने स्किन को पिंच किया होल्ड इट फॉर अबाउट थर्टी सेकेंड एंड देन यू रिमूव इट रिलीज इट जैसे रिलीज करेंगे तो ये कितनी देर में जो रिंकल है वो गायब होता है दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी छोटे बच्चों में इमीडिएटली तीस एक मिनट बाद भी छोड़ेंगे तो इमीडिएटली वो रिंकल बनेंगे ही नहीं लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये रिंकल को डिसिपेयर होने में थोड़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता जाएगा दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड प्लास्टिसिटी यानी कि बॉडी इलास्टिक था धीरे धीरे वो प्लास्टिक बन रहा है दैट इज हाउ बी ग्रो ओल्ड लेकिन कुछ लोगों के केसेस में वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है प्लास्टिसिटी बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है कोलोन जब प्लास्टिक बन जाता है तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर प्लास्टिक होगा तो वो वाला ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाएगा फिर वो एक बीमारी बन जाएगी लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर प्लास्टिक बन गया यू कैन अगेन कन्वर्ट दैट दिन लिटिल बिट ऑफ इलास्टिक दैट इज़ द काइंड ऑफ डाइट विच वी शेयर विद ईच अदर येस्टरडे कल जो जो डाइट की बात की आप टेस्ट कर सकते हैं कि अभी मैं इसको तीस सेकेंड होल्ड करता हूँ या एक मिनट होल्ड करता हूँ फिर कितनी देर में रिंकल जाता है एंड बी ऑन दिस डाइट फॉर वन मंथ एंड देन अगेन टेस्ट सो बॉडी को भगवान ने बहुत ही फ्लेक्सीबल बनाया है हम उसको जब खराब करते हैं तो वो सालों साल लगता है खराब होने में लेकिन जब रिपेयर करना तो कुछ दिन की बात होती है राइट right? लेकिन कुछ दिन तो लगेंगे फिर भी सो दैट इज वॉट आई हैव सीन एंड दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू सी कल का जो डे था दैट वॉज बेसिक डे फर्स्ट डे राइट जिसमें ब्लड uh, प्रेशर है डायबिटीज़ है वो क्या है वो कैसे ठीक करें यू एव अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आज का दिन है एडवांस डे एडवांस डे मीन्स हार्ट डिजीज है कोलेस्ट्रॉल है और हार्ट डिजीज से जुड़े हुए सारी दवाइयाँ हैं ब्लड थिनेट्स हैं जो ऐसी चीज़ें जो ऑलमोस्ट कोई भी इंसान जिसकी उम्र चालीस साल से ज़्यादा है और वो गलती से कभी डॉक्टर के पास चला गया या फिर अपना पूरा फुल प्रोफाइल टेस्ट करा गया तो वो कोलेस्ट्रॉल की दवा ब्लड थिनर और ब्लड प्रेशर की छोटी वाली गोली वो लेके आता ही है घर पे अब तो उसको लोग दवा भी नहीं मानते बस एक प्रिवेंशन के लिए है राइट सो so, मैंने आपको कल बोला था अभी आप अभी आपसे बात हुई आज राइट तो कुछ और पेशेंट से बात हुई पार्टिसिपेंट से बात हुई कि हाँ हमने आपकी बात कल सुनी और आज हमने दवा नहीं लिया कई बार कुछ पेशेंट या पार्टिसिपेंट वो क्या करते हैं डबल uh, चलो सेकेंड ले ओपिनियन ले लेते हैं अपने डॉक्टर से पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब मैंने कल वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देखा था एक सेमिनार था और मुझे बोला ये सारी दवाइयाँ मत लो तो uh, क्या आपकी राय है और ये एक डीआईपी डाइट है इस पे रहो तो आपको तो पता ही होगा जवाब कि अगर आपने छोड़ा और कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो अब सवाल यह है कि अब क्या करें तो मैं आपसे काउंटर ऐसे कि क्या करना है आप उनसे बोलिए ठीक है मैं नहीं छोड़ता अब कुछ हुआ क्या आप जिम्मेदार हैं तो उनका जवाब अगर दवा लेते हुए कुछ हुआ फिर तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं क्योंकि अगर दवा लेते हुए कुछ होंगे होगा तो डॉक्टर बाय लॉ इज प्रोटेक्टेड उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है राइट दवा लेते हुए अगर आपको कुछ भी हो जाए तो डॉक्टर इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका राइट सो चाहे दवा लें या ना लें कुछ अगर होगा तो सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है वो है आप खुद नो बड़ी एल्स तो अगर आपकी ही जिम्मेदारी है फिर तो आपको ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सारा कुछ ऐसे जिम्मेदारी कभी भी आप देखेंगे डॉक्टर को अगर कुछ भी आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे ये दवा छोड़ दूँ ना लूँ तो पहला ऊपर कुछ हो गया तो मैं नहीं मैं जिम्मेदार हूँ लेकिन ये डायलॉग का कोई बेसिस नहीं है क्योंकि दवा लेते हुए कुछ हो गया क्या तब जिम्मेदारी है तब भी नहीं है

सो दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा शहर आपका शहर इमेजिन कीजिए कि जहां पे साइकिल uh, चला रहे हैं एक ऐसा देश एक ऐसा शहर जहां पे एक ऐसा सिटी साइकिल चला रहे हैं साइकिल चलाते हैं सब लोग और साइकिल का चेन उतर गया आपको नहीं पता चल क्यों नहीं पैडल मारे चल नहीं रहा पैडल मारे चल नहीं रहा तो वहां पे साइकिल स्टेशन बने हुए हैं रिपेयरिंग स्टेशन और टाई पहन के इंजीनियर्स हैं जो वहां इक्विप्ड हैं जो कई कई साल की पढ़ाई की है साइकिल के ऊपर तो कितनी वेलोसिटी में कितना एक्सेलरेशन होगा कितना स्पीड होगा सारा डायनेमिक्स और स्टैटिक फ्रिक्शन कांटिक फ्रिक्शन जितने सारी चीज़ इन्वॉल्व होंगी सारा कुछ वो आपने उसको बोला कि देखो साइकिल में पैडल तो मार रहा हूँ चल नहीं रहा तो बोलेगा ठीक है भाई मैं इसका स्टैटिक फ्रिक्शन देखता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन देखता हूँ इसका एक्सेलेशन uh, कितना था विंड का क्या था कुल मिला के फिर बोलता है कि भाई अब ठीक नहीं हो सकता ये बस आप साइकिल में बैठिए हम यहाँ से धक्का मारेंगे और कुछ दूर तक जाएगा तो वहां पे एक और आदमी मिल जाएगा आपको हम हमारा एक और स्टेशन वो थोड़ा धक्का मारेगा फिर आगे जाएगा तो आपको लगता है यही होगा अब तो चलो कोई इलाज ही नहीं है तो वो धक्का मार देता है उतने दूर तक जितने दूर पे अगला वाला साइकिल स्टेशन है वो भी एक इंजीनियर है उसने भी सात साल की पढ़ाई की है अपनी राइट और वो पढ़ाई बिल्कुल सेम है तो वो भी सेम ही भाषा बोल रहा है और बोल रहा है ठीक है अगली धक्का मैं मार देता हूँ और हर धक्के का एक कॉस्ट है एक पैसा है राइट तो इस तरह से उसकी गाड़ी तो आगे बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही और जाते जाते अचानक हम जैसा आप जैसा कोई एक आदमी मिल जाता है वो बोलता है यार ये चेन लगा दो आपको धक्के मारने की जरूरत ही नहीं है तो उसका तो धंधा सबका ठप हो गया तो एक कानून बन गया उस शहर में एक लॉ बन गया बाय गवर्नमेंट कि भाई कोई अगर ये बताएगा कि चेन लगाने से ऐसे चेन लगाते हैं और उसके बाद कोई धक्का मारने की जरूरत नहीं आपकी साइकिल दोबारा चल पड़ेगी ऐसा अगर कोई बोलेगा तो उसको सजा होगी उसको जेल भेज दिया जाएगा राइट सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है ये कैसी कहानी है लेकिन एक्चुअली यही हो रहा है मेडिकल सिस्टम में इंडिया में राइट आप आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह का डाइट पहले से भी किया है आज की बात नहीं आज से कई महीने पहले और कई आप में से बोलो बताया भी कुछ लोगों ने कल मुझे राइट सो so, आपने देखा कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और कई बार तो आप कुछ भी खा लें तब भी ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है दैट मीन्स यू आर क्योर लेकिन अगर लीगली अगर अगर आप बोलेंगे कि डायबिटीज़ क्योर हो सकता है क्योर वोड द मोमेंट यू यूज़ इट सो दैट इज़ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया राइट right? एक लॉ बना था 1952 में जो कि अभी भी पकड़ के बैठे हुए हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का जो है कि वो लॉ ये कहता है कि डायबिटीज़ की नहीं होता हाइपरटेंशन टेंशन की नहीं होता जबकि ट्रुथ ही है कि वो हर बार क्योर होता है जैसे कॉमन कोल्ड की होता है जैसे कोई पिम्पल आता है तो जाता भी है वो पिम्पल राइट right? एक स्टोन आता है तो स्टोन अपने आप डिजोल्व भी होता है सो so, उस तरह से डायबिटीज हाइपरटेंशन दीज आर थिंग लेकिन वो एक लॉ बना दिया 1952 का लॉ और उस लॉ को पकड़ के बैठे हुए कि अगर कोई बोलेगा क्योर तो तो बस उसको तो जेल में बंद कर दो हमारे कुछ ऐसे डायबिटीज एजुकेटर हैं जिन्होंने जिनको जेल में बंद भी होना पड़ा तो उन्होंने मुझे फोन किया मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप में से किसी को अगर बाहर जाके बोलेंगे तो मैं पहले से आपको एलार्म कर दू भाई <laughs> आप, आप जिम्मेदार हैं मैं नहीं जिम्मेदार हूँ राइट right. तो मैंने उसको बोला आपके लिए भी कि मैंने उसको बोला जेल से निकलना नहीं राइट एंड देन वी विल सी बट डोंट कम आउट ऑफ द जेल अंदर तो चले ही गए हो राइट नाउ वी हैव टू फाइट द केस मौका तो मिल गया हमें राइट right? क्योंकि उनको एक बार लॉ इम्प्लीमेंट होता है तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ भी करना पड़ता है कि आ, ये जो बोल रहे हैं गलत है राइट right? ये प्रूव करने का मौका मिलता है दोनों पक्ष को तो वो मौका भी तो मिलेगा ना मतलब आप में से कोई जेल जाता है तो वो जेल से निकलना नहीं है आपको बिकॉज दैट इज द अपॉर्चुनिटी राइट और ये इंडिया लेवल पे नहीं है वर्ल्ड लेवल, लेवल पे है राइट right, आप आ, दुनिया के सबसे अभी अभी नंबर वन पे जो यूनिवर्सिटी uh, है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है हर साल राइट right, पिछले दो साल से नंबर वन यूनिवर्सिटी दैट इज़ कॉल्ड एम आई टी मैचीचूसिट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा राइट right, वहाँ से मेल आया हमारे ऑफिस में कि वो मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं हमने आपने इतना अच्छा काम किया मुझे लगा चलो अच्छा है कुछ तो अच्छा हो रहा है इंटरव्यू देने के बाद फिर उन्होंने एक लेख छापा वो गूगल में मिल जाएगा आपको फिर उन्होंने उस लेख में लिखा कि ये आदमी इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक आदमी है और उन्होंने यूट्यूब और फेसबुक को रिक्वेस्ट किया इनके सारे जो वीडियोज़ हैं ब्लॉक कर दें तो फिर उन फेसबुक का जवाब भी उन्होंने छापा आप पढ़िएगा कि फेसबुक ने बोला हमने इनके सारे वीडियो देखे हैं और उनमें जो तर्क हैं वो तर्क साइंटिफिक हैं इसलिए हम ये वीडियो को ब्लॉक नहीं कर सकते सो so, बोलने का मतलब है कि बीच बीच में रुकावट आएंगी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कॉन्ट्रोडिक्टी होंगी तो वो जजमेंट आपको करना है बिकॉज भगवान ने आपको एक ब्रेन दिया है राइट right? तो उसको ध्यान से देखना है फिर अपना डिसीजन मेकिंग करना है नॉर्मली हम डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं कि बाकी कितने सारे लोग बोल रहे हैं ज्यादा लोग जो जिस जिस पर्ले में होते हैं सोचते हैं वही सच है और हम अनजाने में ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाता है और उस वही टॉपिक है आज का uh, मैं उदाहरण देता हूं मान लीजिए एक अंडा है आपने कभी सोचा अंडा आपने लिया उसको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रखेंगे एक ह्यूमिडिटी में रखेंगे एक टेम्परेचर रेंज में रखेंगे उसको पर्टिकुलर ट्रेन से मूव करेंगे कुछ दिनों तक उसके अंदर से एक चिड़िया निकल के आएगी एक मुर्गी निकल के आएगी एक हैन निकल के आएगा पक्षी निकल के एक लाइफ निकल के आएगी तो अंडे के अंदर ऐसा क्या है कि वो एक लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है वॉट इज देयर इनसाइड द एग तो अगर आप किसी लैब में उसको देंगे टेस्ट करने के लिए कि इसमें क्या ऐसा है जिससे लाइफ बनता हो तो आपको हैरानी होगी जान के द थिंग विच कन्वर्ट द एग इन टू अ लाइफ दैट इज कोलेस्ट्रॉल 62% 62% परसेंट सिक्सटी टू परसेंट ऑफ द टोटल एनर्जी कॉन्टेंट इन द एग कोलेस्ट्रॉल राइट सो चाहे वो हेन की बात हो या ह्यूमन की बात हो इट इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ एस कि लाइफ शुरू होगी तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई मॉलिक्यूल है तो है कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल इज लाइफ राइट ये कोई एनिमी नहीं है हमारा इसके बिना लाइफ स्टार्ट नहीं होती और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ ये दैट इज एवरीवेयर राइट सो इसीलिए एफ डी ए ने फूड एंड ड्रग जब भी यहाँ पे एफ डी ए लिखे दिखेगा ना वो इंडिया का एफ डी ए नहीं है इंडिया का एफडीए क्या वो यूएस के एफ डी ए का गुलाम है वो जो बोल देगा वो उसको मान लेगा तो वेन एवर देट इज एफ डी ए हेयर राइट इंडिया के एफ डी एफ डी ए के डायरेक्टर ने एक बार मुझे मेल किया कि आप आओ मुझसे मिलो मैंने कहा चलो ये बुला रहे हैं शायद कुछ अच्छा ही होगा फिर और जब मैं मिला कहा कि आपने अगर कार्यक्रम किया अगला कार्यक्रम राइट तो हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़े राइट ये गोवा की बात है राइट लेकिन हमारे बीच भाजी ऐसे लोग हैं तो मुझे लगता है जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट तो एफ की बात कर रहे थे हम एफ मतलब यूएस का एफडीए एफडीए ने ये स्टैटिन जब भी आप स्टैटिन देखेंगे राइट स्टैटिन वर्ड कहीं भी दिखेगा तो वो कोलेस्ट्रॉल की दवा के लिए है दैट इज कॉल्ड स्टैटिन तो स्टैटिन ड्रग को एफ ने एक्स कैटेगरी ड्रग का कैटेगरी बनाया है एक्स कैटेगरी का मतलब ये होता है कि ये ड्रग्स किसी ऐसे इंसान को जिसको वुमेन uh, जिसको अभी तक बच्चा पैदा करना है तो ऐसे वुमेन्स के लिए ये ठीक नहीं है क्योंकि बच्चा पैदा करने के जो प्रोसेस है उसमें एक्स कैटेगरी के ड्रग इंटरफेयर करते हैं राइट right? तो मैं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब कोई भी चीज़ जो कोलेस्ट्रॉल को घटाएगी तो वो ज़िंदगी लाइफ को घटाएगी राइट दैट वाट आई मीन टू से और ये सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं ऐसे मैन राइट right? ऐसे मैन जो बाप बनना चाहते हैं उनके लिए भी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स उनको इम्पोर्टेंट करती है उनको इनफर्टाइल करती है राइट right? तो दो तरह के लोग ऐसे वुमेन जिनको मदर बनना हो ऐसे मैन जिनको फादर बनना हो उनको एक्स कैटेगरी की ड्रग नहीं लेना है और एक्स कैटेगरी ड्रग में एक ड्रग आता है सबसे पहला नंबर दैट इज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग दैट इज कॉल्ड स्टैटिन राइट तो कोलेस्ट्रॉल की अहमियत यह है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं तो लाइफ नहीं राइट right? कोलेस्ट्रॉल है तो ही लाइफ है एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट इट शुड नॉट बी गिवन टू और इ शुड नॉट बी कंज्यूम बाय एनीबडी जिनको आगे भी अपना परिवार को बढ़ाना है राइट right? तो या तो बच्चे पैदा नहीं होंगे या मुश्किल से पैदा होंगे या बहुत सारे विकृति के साथ पैदा होंगे है right? सो so, ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है सो so,

एफडीए वार्निंग दो हजार बारह में एफडीए के एक बहुत अच्छा खासा वार्निंग आया जो कि दुनिया के हर अखबार में छपा जो मेन स्ट्रीम न्यूज पेपर है छापना पड़ा उनको दैट इज कि अगर आप कोलेस्ट्रोल की दवा लेंगे तो डायबिटीज मसल डैमेज एंड मेमोरी लॉस दीज थ्री आर द साइड इफेक्ट इमीडिएट साइड इफेक्ट विद इन द फर्स्ट सिक्स मंथ्स ऑफ कंज्यूमिंग इट राइट सो so, कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं और और बीमारियों को बुला रहे हैं और ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है पहले डॉक्यूमेंट नहीं थी लेकिन धीरे धीरे देखा तो गया कि जो kind of so, लोग अब विद ऑल दिस ये सारी चीज आपके सामने है तो फिर कोलेस्ट्रॉल की दवा लेना चाहिए ये, ये सारी बातें आई कहां से कुछ साल पहले नहीं था ये कोलेस्ट्रॉल नाम की कोई चीज नहीं थी आज से साठ सत्तर साल पहले नथिंग कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल वर्ड था ही नहीं कोलेस्ट्रॉल भी कोई चीज़ होती है अब देखिए आप पैकेट देखेंगे कोई चिप्स का जीरो कोलेस्ट्रॉल लगेगा ये तो हेल्दी है राइट तो कोलेस्ट्रॉल एक मार्केटिंग टूल बन गया है किसी भी बिस्किट के उसमें जीरो कोलेस्ट्रॉल आपको लगेगा ये तो बड़ा ही अच्छा है मेरे लिए हाँ तो वो आप ये फूड इंडस्ट्री हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो कोलेस्ट्रॉल बिकेम एक मेडिकल मार्केटिंग टूल राइट right? सो कई बार मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एमडी डॉक्टर्स आते हैं तो वो बहस करते हैं नहीं नहीं दीज आर ऑल फेक ये सारे रेफरेंसेज हैं इनका अगर आपको पूरे जर्नल की रिपोर्ट चाहिए तो मैं आपको वो आपके ई मेल में भेज सकता हूँ अगर आप उसको मैंशन करेंगे तो अपने फीडबैक फॉर्म में राइट तो ये फेक नहीं ये तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश चीज़ें हैं तो वो जो एम डी है मैंने मैं उनसे बोलता हूँ एम डी का मतलब क्या है आप में से किसी को पता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन तो को रट्टा मार लो रट्टा मार लो सारी दवाइयों को दवाइयों की भाषा बोलो उनकी गलती नहीं है लेकिन वो ब्रेन वॉश इस तरह से होता है कि उनको उस, उसके आगे और पीछे कुछ दिखाई नहीं देता ये जर्नल्स की रिपोर्ट है ये उनको वो पढ़ते नहीं है वो वो पढ़ते हैं जो कंपनी चुन के अपने जर्नल की रिपोर्ट लाते हैं ओनली उतना ही पढ़ते हैं दैट्स ऑल उसके अलावा कोई और उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है जरूरत भी नहीं है शायद उनको अच्छा तो ये सारी जो कहानी है कहाँ से शुरू हुई है बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसको समझ समझ लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई का क्या करना है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड यूरिक एसिड ये सारी चीजें कल आप पूछ रहे थे उनका क्या करना है उसे क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगा सिर्फ एक कहानी से अगले तीन चार मिनट में ही राइट सो आपको मैंने कल बताया कि 1945, 42, 45, 50 के साथ हार्ट डिजीज हार्ट अटैक ये सारी चीज बढ़ने लगी और जब जब बढ़ने लगती है कोई चीज तो इंसानियत साइंस इसका कोई सोल्यूशन ढूंढता है ह्यूमैनिटी, कोई दवा ढूंढता है तो तब यूएस की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई कि ढूंढो हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है बहुत सारी फंडिंग की उस कमेटी का जो हेड थे उसका नाम था अनसल राइट <coughs> अनसल अनसल कीज़

कोलेस्ट्रॉल मोर डेथ जापान वेरी लेस कोलेस्ट्रॉल वेरी लेस डेथ बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज यूएस द हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी हाईएस्ट डेथ बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज तो ये कन्विंसिंग लग रहा है हाँ भाई बात तो ठीक है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है ज्यादा मौतें हार्ट डिजीज से ये बात बिल्कुल परफेक्ट लगी लोगों को लगा कि अब तो कारण मिल गया कि जो इतने समय से 25-30 साल से लोग हार्ट डिजीज से मरते जा रहे थे अब हमने पकड़ लिया उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़े हुए हैं वो सिर्फ एक ही स्लाइड इस स्लाइड ने पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश किया कि भाई कोलेस्ट्रॉल कल्प्रिट है वही गुनहगार है उसको पकड़ो उसको कम करो राइट अब इसके बाद Uh, ट्रायल चलते गए जैसे ये सारे जो ट्रा, ट्रायल्स हैं ना जैसे बड़े ट्रायल्स हैं इन सारे ट्रायल्स का मेटा एनालिसिस जितने सारे ट्रायल्स हुए उस दौरान और उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको मैंने इकट्ठा कर लिया एक ही स्लाइड में आपका काम आसान करने के लिए न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन नाइनटीन ये सारे ट्रायल्स होते गए कि भाई पहली बात तो ये कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो हार्ट डिजीज के चांसेस ज़्यादा हैं तो हार्ट डिजीज के चांस कर, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा लॉजिकली कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा यानी कि आप कुछ ऐसी इंसान खा चीज right? तो ढूंढी मतलब देखना कोलेस्ट्रॉल कम करने से क्या हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक कम होता है क्या राइट right? ज्यादा होने से हार्ट डिजीज ज्यादा होता है वो तो स्लाइड प्रूव करती है लेकिन अगर दवा से कम करते हैं तो क्या वाकई में हार्ट डिजीज हार्ट अटैक कम होता है इसके लिए साइंस के पास एक ही तरीका है होता है एक ही तरीका कि वो इस तरह के ट्रायल्स करें ट्रायल्स मतलब ऐसे लोगों को सालों साल तक नजर रखें जो कोलेस्ट्रॉल की दवा पे है तो उनमें हार्ट डिजीज क्या है और जो कोलेस्ट्रॉल की दवा में नहीं है लेकिन हेल्थ कंडीशन सेम है उनमें हार्ट डिजीज का ट्रेंड क्या है यही तरीका है दुनिया में कोई और तरीका नहीं कोई लैब नहीं है जिसमें माइक्रोस्कोप लेके मॉलिकुलर लेवल ले पर ले काम करेंगे ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशनल साइंस है ये कि 10 साल तक ऑब्जर्व किया इस तरह के दो ग्रुप को और 10 साल बाद एक नतीजा निकला यही है साइंस इसके बियॉन्ड नहीं है कोई जेनेटिक कोई मोलिकुलर उस वो फाइंडिंग तक नहीं पहुंची अभी तक तो so, इन सारे ट्रायल्स को ये सारे कोलेस्ट्रॉल के ट्रायल हैं उनको कलेक्ट करके एक निष्कर्ष पे आने से कहते हैं मेटा एनालिसिस मतलब बड़ा आंसर राइट तो वो आंसर अगले स्लाइड में ये रहा 172 पीपल टेकिंग स्टेटिंग फॉर वन ईयर विल प्रिवेंट वन हार्ट अटैक राइट तो ये ट्रायल मान लो ये ट्रायल का मतलब क्या है कैसे करते हैं ये अभी हम एक मॉक मॉक का मतलब समझते हैं एक नकली ट्रायल करके देखते हैं इसी वक्त ताकि आपके दिमाग में अंदर घुस जाए कि एक्चुअली क्या है आप डिसीजन ले पाए ओके okay. तो ट्रायल कैसे होता है उसका एक सैम्पल मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ चल रहा है और आप सब वॉलेंटियर्स हैं और 172 लोग यहाँ पे हैं और 172 लोग यहाँ पे हैं आप सबकी हार्ट की कंडीशन एक जैसी है राइट और हम चाहते हैं कि हार्ट की बीमारी आपकी कम हो तो ये है हमारे साइंटिफिक रिसर्च ऑफिसर तो अगले एक साल तक आप सबको कोलेस्ट्रॉल वाली दवा बांटेंगे हाँ अगले एक साल तक खाने के लिए ये बांटना है राइट इसमें कोलेस्ट्रॉल दवा है अगले एक साल तक खाएंगे आप और अगले एक साल बाद आप यहीं मिलेंगे और आपको अगले एक साल तक दवा नहीं खानी है लेकिन आपको यहीं मिलना है वन सेवनटी टू लोग ये हैं वन सेवनटी टू लोग ये हैं ओके ये दवाइयाँ हाँ ये ये जो दवाइयाँ हैं ये ये जो वन सेवेंटी लोग हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये एग्री कर गए कि अगले एक साल तक ये कोलेस्ट्रोल दवा खाएंगे तो तीन चार लोग और लेके आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इसको सिर्फ इसी इसी इसमें हर रो में थोड़ा सा दे देंगे तो वो आपस में बांट लेंगे इन एवरी रो यू गिव लिटिल बिट क्विकली करना फटाफट। एक ही करके देंगे तो दिक्कत हो जाएगी हर रो के एंड में दस दस दे दो वो आ, आगे डिवाइड कर देंगे ईच रो गुड ओके तो यहां पे ट्रायल शुरू हो गया है एक टीम इनको कोलेस्ट्रॉल दवा बांटी जा रही है आपको कोलेस्ट्रॉल दवा नहीं लेनी है लेकिन ऐसा ना प्लेसिबो इफेक्ट होता है प्लेसिबो इफेक्ट समझते हैं आप कि उसको खत्म करने के लिए अनबायस्ड होने के लिए होता है कि ट्रायल में नकली दवा उनको भी बांटी जाती है तो ये किसी को नहीं पता होता इधर नहीं उधर उधर कि असली दवा कौन सा है नकली दवा कौन सा है सिर्फ साइंटिस्ट को पता होता है लेकिन चलो उस चीज को मैं बाईपास कर रहा हूं कि ओके ठीक है तो अब बढ़ गई टुडे इट इज ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जून 2018 ठीक है और ये दवाइयां बढ़ गई हैं और एज्यूम कर रहे हैं कि एक साल तक आप खा रहे हैं दवाइयां और एक साल बाद आज का दिन है मैं दोबारा से आ रहा हूं ओके okay. हाँ गुड मॉर्निंग फ्रेंड टुडे इट इज ट्वेंटी सेकेंड जून टू आप सबका स्वागत है एक बार फिर राइट थैंक यू और पिछले साल आपको याद है कि मैंने कोलेस्ट्रॉल लोडिंग दवाएं आपको बांटी थी और आप लोगों ने दवाएं नहीं ली थी राइट right? तो अब देखते हैं कि कितने लोगों को इस ग्रुप में हार्ट अटैक आया कितने लोगों को इस ग्रुप में हार्ट अटैक आया तो हमने कैलकुलेट किया कैलकुलेट करके देखा गया कि इस ग्रुप में एक आदमी ज्यादा को को इसमें तो तीन लोगों को हार्ट अटैक आया तो इसमें चार लोगों का इसमें दो लोगों का आ गया यानी कि कोलेस्ट्रॉल की, की दवा खाने से हार्ट अटैक के चांसेस थोड़ा सा घटता है यही हुआ ना ये तो हुआ एक साइड जिसको पब्लिश कर दिया कि कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने से हार्ट अटैक के चांसेस घटते हैं अच्छा कितने परसेंट घटता है घटता है क्यों क्योंकि ये ये था ये था दो, अब इसको जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है करेंगे तो कितना बोलेंगे फिफ्टी परसेंट जबकि वो 50 नहीं है वन सेवेंटी टू में से एक का फर्क है वो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट है लेकिन वो कैलकुलेशन किस तरह से कर रहे हैं उसके ऊपर डिसाइड होता है राइट right? कोई फिफ्टी परसेंट सोचेगा कि मेरा फिफ्टी परसेंट मेरे अगर चांसेस हैं वो 50 -50 हो जाएंगे इज नॉट ट्रू आर यू गेटिंग द पॉइंट राइट सो ये तो हुई एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात और एक बात और जो छुपी हुई है कि बाकी जो वन सेवेंटी टू लोगों ने लिया है एक हार्ट अटैक के चांस घटे हैं फॉर एग्जाम्पल इनको हार्ट अटैक होने वाला था लेकिन किस्मत से इन्होंने एक साल कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग लिया तो इनका हार्ट अटैक के चांस प्रिवेंट हो गए यही ना तो कितने लोग बेनिफिट हुए आउट ऑफ वन सेवेंटी टू कि एक प्रिवेंशन हो गया बट कितने लोग बेनिफिट नहीं हुए 171 अब आता है कि ये 171 लोग एक साल तक ले रहे थे बिना मतलब की दवाइया तो इनके साथ क्या हुआ राइट तो इनसे सबको पूछा गया बताइए एक साल बाद तो वो खोलिए जरा पर्ची में लिखा है आ आ जो जो पढ़ पा रहे हैं बताइए क्लब कफ एंड स्लीपलेस प्योर ब्रिस का कफ स्लीप डिस्टर्बेंस चेस्ट पेन ओके, हमटाइटिस इन्फ्लुएंजा, एनीमा पेल्पिटेशन ब्लड विजन यस इंफ्लुएंजा हर्माटाइटिस ओके, फटीक फिटीक चेस्ट पेन तो आप देख रहे हैं कि ऑन एवरेज जो दूसरा पार्ट था जो उस वक्त पब्लिश नहीं किया गया बाद में वो पता चला कि हर इंसान को इनमें से लगभग दो या तीन साइड इफेक्ट रहे हैं ड्यूरिंग दैट वन ईयर सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कोलेस्ट्रोलिन दवा फायदा कर रही है नुकसान कर रही है पहले तो ये डाउटफुल है कि फायदा कर रही है कि नहीं वो बाई चांस की बात है कि एक यहां पर कम मिला हार्ट अटैक का पेशेंट इसमें ज्यादा वो चांस भी हो सकता है और अगर फायदा कर भी रही है तो लेकिन 171 सेवेंटी वन लोग को बुरी तरह से नुकसान कर रही है एटलीस्ट टू और साइड इफेक्ट इज डेंजरस थिंग राइट सो जब भी मेडिकल ट्रायल्स होते हैं तो ट्रायल्स इस तरह से होते हैं उसका एक नमूना मैंने आपको दिखाया राइट right? अब ये आता है सवाल कि विद ऑल दिस एविडेंसेस आज की तारीख में ये सारे एविडेंसेस सामने ही हैं राइट right? उसके बावजूद भी कोलेस्ट्रॉल की दवा तो डॉक्टर लिखते ही हैं राइट सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बिजनेस राइट जो पैसे की ताकत होती है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग रे फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो जो प्रॉफिटेबिलिटी दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग मैंने कल भी बताया था कि जितने अगर आप वर्ल्ड uh, एवरेज देखेंगे सारी कंपनियां मिलके जितना पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती है सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री मिलके उससे ज़्यादा डोनेशन देती है तो ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी तो वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगी जिससे कि जिसकी वजह से पावर में आए जिसके पैसे की दम पे पावर में आए उसी को खतरा एग्जिस्टेंस में हो जाए सो so, ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि इसमें इसमें सिर्फ वही कौन वो कर सकता हेल्प ओनली यू पीपल कैन डू इट राइट क्योंकि आपको कोई रोक नहीं सकता सो so, ये एक चैलेंज है यहाँ पे सो so, यहाँ पे अब देखिए कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक के चांस बढ़ते हैं ये एक जो स्टैंडर्ड बा जो आपके दिमाग में है लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टडी की गई 2009 में ये बहुत ही बड़ी स्टडी है अमेरिकन हार्ट जर्नल में और देखिए ये स्टडी कितनी बड़ी है एक वन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड फाइव पेशेंट इसे बोलेंगे वेरी बिग स्टडी ये मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही बड़ा स्टडी है ये इग्नोर नहीं कर सकते राइट ये स्टडी में देखा गया कि पूरे दुनिया में जो लोग हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से एडमिट होते हैं उनके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल थे एलडीएल वो 75 परसेंट लोगों के 130 थर्टी एम पर डेसीटर से नीचे था यानी कि वो हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं बल्कि लो कोलेस्ट्रॉल या नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल था तो अगर तो कोलेस्ट्रॉल लीड्स टू हार्ट अटैक तो जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं उनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए मिलने चाहिए ना ज्यादातर लोगों के राइट लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कनेक्शन तो दिख नहीं रहा आर यू गेटिंग द पॉइंट राइट तो ये जो ये लेकिन ये आया 2009 में 2009 में 2009 के बाद फिर एफ डी ए ने अंडर प्रेशर वो दे ट्राई टू प्रमोट कि कोलेस्ट्रॉल को कम करो या इसको खत्म करो ये कोलेस्ट्रॉल की जो दवा होती है ये इंसान के लिए बनी नहीं है ये हमारा एक मिस्टेक था हमारा एक भूल था ऐसा प्रेस प्रेसलीज आया है दो दो वॉन्ट मैं उनको भेज दूंगा राइट पूरा एफ डी ए डॉट गव में जाएंगे ना तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा राइट लेकिन उसके बाद भी दैट इज वन साइंस लेकिन वो मेडिकल जो साइंस है वो मेडिकल जर्नल में सीमित है और जो डॉक्टर्स को पता है वो वो वाला साइंस है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको वहां तक पहुंचाती है उनके टेबल तक पहुंचाती है राइट सो दैट इज द डिफरेंस 2009 में जब ये देखा गया कि हार्ट अटैक के, के केसेस में कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर लोगों का नॉर्मल या बिलो नॉर्मल था फिर दिमाग गया कि नाइनटीन में अंसल क्लीन ने कितने कंट्री का वो स्टडी था सेवन कंट्री स्टडी में तो ये आया कि हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब हाई हार्ट डिजीज जबकि यहां तो उल्टा आ रहा है तब लोगों का ध्यान गया साइंस का ध्यान गया जो कुछ अच्छे लोग हैं साइंस में तो उन्होंने क्या किया दोबारा से उस स्टडी के पास वो छाना स्टडी कब हुई थी रिजल्ट कब आया था 1975 के वो स्टडी को पूरा एक बार और छाना यूनिवर्सिटी ऑफ मनसोटा में वो स्टडी हुआ था तब देखा गया वेरी इंटरेस्टिंग कि वो जो स्टडी था वो ओरिजिनली कितने कंट्री सेवन कंट्री ना होकर ओरिजिनली वो था ट्वेंटी टू कंट्री स्टडी जब स्टडी शुरू हुआ था और उस स्टडी में हर देश में कितना इंसान का एवरेज कोलेस्ट्रॉल रहता है और कितने हार्ट डिजीज डेथ रहते हैं वो डेटा लिया गया बाईस कंट्री का राइट right? उसमें से जो जो लोग इस इस ग्राफ में जो जो कंट्री फिट बैठते हैं उन कंट्री को सिलेक्ट कर लिया गया और जो ग्राफ में फिट नहीं बैठते उसको हटा दिया गया राइट right? तो ताकि ये थ्योरी साबित कर दें कि हाई कोलेस्ट्रॉल मींस हाई हार्ट डिजीज पॉइंट राइट उनको हटा दिया इसको हटा दिया इसको हटा दिया जो इस लाइन के बीच में आ रहे हैं उनको ले लिया और बोल रहा था मैंने तो साथ ही कंट्री का स्टडी किया था राइट right? अगर आज मुझे यह साबित करना हो कि जितना कोलेस्ट्रॉल कम होगा उतनी हार्ट डिजीज ज्यादा होगी तो मेरे लिए आसान है मैं क्या करूंगा इसका ठीक उल्टा मैं ऐसा एक ग्राफ बनाऊंगा और जो जो कंट्री उस ग्राफ में आएंगे उनको लूंगा बाकी को हटा दूंगा और मेरी थ्योरी बन जाएगी कि ये देखिए मेरा ग्राफ है सेवन कंट्री स्टडी मैंने किया है और मेरे स्टडी के मुताबिक जो जो जितना कम कोलेस्ट्रॉल उतना हाई हार्ट डिजीज आप बोलेंगे नहीं 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 भाई ये तो चीटिंग है चीटिंग है अरे भाई जब एंसल की कर सकता तो मैं नहीं कर सकता भाई तो अब ये खुल के आ गया सामने राइट लेकिन जब भी कोई साइंस सामने आता है तो वो एक कॉमन मैन के सामने कौन लाता है मेडिकल जर्नल नहीं लाता क्योंकि वो तो आप पढ़ते ही नहीं है कॉमन मैन के सामने लाता है मीडिया और मीडिया वही चीज सामने लाता है जिसके लिए उसको पैसा मिलता हो ये साफ सी बात है या ना लाने के लिए पैसा मिलता हो भाई इसको मत लाना ये पैसे रखो राइट सो दैट इज वॉट हैपन्स तो जो कोलेस्ट्रोल की जो पूरी कहानी है जो 1975 से शुरू है वो यहां पे जाके खत्म हो जाती है तो क्लियरली ये बात है कि जितने सारे स्टडी स्टडी के सारे रिपोर्ट्स हैं जो आपके सामने हैं राइट तो पहली स्टडी 1978 में हुई थी और आखिरी स्टडी 2016 में हुई थी ये दोनों के दोनों स्टडी अगर देखेंगे तो एक ही निष्कर्ष है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक है और उसकी उसकी कोई ज़रूरत किसी को भी नहीं है दैट इज़ द कंक्लूजन फर्स्ट स्टडी एंड द लास्ट स्टडी राइट सारे स्टडी राइट right? वो सारे स्टडी का लिस्ट भी आपके सामने मैंने आपको दिखाया राइट right? सिर्फ वो जो एक ग्राफ था सेवन कंट्री ग्राफ मैनिपुलेटिव ग्राफ उसके बेसिस पे ये पूरा कुछ अभी तक चल रहा था और पूरे दुनिया का ये ऑल टाइम बेस्ट सेलर ड्रग है कोलेस्ट्रॉल वाली दवा राइट right? और सबसे अच्छी बात है उनके लिए मेडिकल इंडस्ट्री के लिए एक बार कोलेस्ट्रॉल की दवा तो दे दो फिर वो डायबिटीज के लिए ब्लड प्रेशर के लिए बाकी सब तो हो ही जाएगा तो आप धंधा तो बढ़ता ही रहेगा राइट right? तो अगर आप में से कोई भी कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं तो बस उसको डस्टबिन में फेंकिए जानवर को भी मत दीजिए वो बीमार पड़ जाएंगे नीड नॉट टू राइट उसको फेंक दीजिए दुश्मन को भी मत दीजिए जस्ट थ्रो इट राइट अगर आपको अभी भी कन्विंस नहीं हो रहा तो थोड़ा और मैं आपको समझाने की पूरी ताकत लगाता हूं सिर्फ एक स्लाइड काफी होगा आपको समझाने के लिए देखिए आप सांस लेते हैं ये सारी कहानी शुरू कहां से होती है सांस लिया ऑक्सीजन अंदर आया बाहर क्या गया सीओ राइट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने उसको लिया प्लांट राइट एंड प्लांट ने लेके सीओ टू प्लस एच टू राइट सनलाइट के साथ क्या बनाया ग्लूकोज फूड बना वो फूड आपने खाया क्लियर हो बात बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूँ बात राइट right? फूड आपने खाया जब फूड बॉडी में गया तो बॉडी में कई सारे केमिकल्स बनते हैं उसमें से एक केमिकल बनता है एच एम जी को इस तरह से केमिकल का एक सीरीज शुरू होती है राइट right? फिर मेबलोनेट बनता है और इससे कई सारे केमिकल बनते हैं उनमें से एक केमिकल का नाम है कोलेस्ट्रॉल राइट right? ये रहा कोलेस्ट्रॉल यहां बनता है जब आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं तो कभी आपने सोचा वो कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने का जो मैकेनिज्म है वो ये देखिए वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है यहां पे। वो जो ब्रांच है उसको काट देता है वहां पे यहां पे, यहां पे तो कोलेस्ट्रॉल कम हो गया लेकिन और भी क्या कम हो गया ये भी कम हो गया ना सारे ये जो केमिकल है को क्यू टेन को टेन बोलते हैं इसको ये हार्ट को ताकत देता है लगातार आप सोचिए बॉडी के जितने भी मसल्स हैं सेल्स हैं उनको रेस्ट करने का टाइम मिलता है सिर्फ एक ही मसल है जो कभी रेस्ट नहीं करता जब से आप पैदा हुए दैट इज हार्ट मसल सिंस द टाइम यूर बॉन्ड एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं किया क्या आप चाहेंगे कि रेस्ट कर ले थोड़ा सा बहुत समय से काम कर रहे हैं है? right? भाई आप तो बहुत समय से काम थोड़ा आप भी रेस्ट कर लो यूल नॉट डेयर टू राइट वो रेस्ट करेगा तो आप परमानेंटली रेस्ट कर लेंगे राइट right? तो लेकिन कभी सोचा आपने कि वो हार्ट लगातार काम कर रहा है रेस्ट नहीं कर रहा तो वो ताकत आ कहां से रही है जवाब है कोक्यू टेन राइट कोक्यू टेन राइट ठीक इसी तरह से कल एक सवाल पूछ रहे थे आप ऑटो इम्यून डिजीज पूछा था किसी ने कल ऑटो इम्यून पूरे तो ऑटो इम्यून डिजीज मतलब हमारे खुद के सेल्स ही खुद को आ, खुद के खुद की इम्यूनिटी खुद की दुश्मन हो गई ऑटो इम्यूनिटी आता कहां से है वो आएगा अगर आप डिफिशियंट होंगे सिग्नलिंग प्रोटीन देन ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगा राइट right? ठीक उसी तरह से अगर ये कम बनेगा तो कैंसर हो जाएगा राइट right? आपने एक मूवी देखी है पा याद आ रहा है कुछ राइट right? तो जहां पे दो साल का जो बच्चा है उसकी जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है इतनी ज़्यादा कि वो अस्सी साल का बूढ़ा लगता है जितने में या पांच साल का बच्चा लुक्स लाइक एटी ईयर देखा आपने ना? सबने तो वो क्या होता है मेडिकली कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं पैदाइशी उनके अंदर एक कमी होती है उनका बॉडी मेवोलिनेट पाथवेज ये नहीं बना पाता है शुरू से ही और अगर ये ना बने शुरू से तो ऐसे बच्चों की ग्रोथ मतलब वो कई गुना स्पीड से बढ़ते हैं और वो पांच साल छह साल में पचास साल साठ साल के बूढ़े लगते हैं जैसे पाप मूवी में था राइट तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं ये पाथवे अगर ना बने या बन रहा है आप उसको रोक दें तो कितना खतरनाक कितनी खतरनाक बात है ये यू कैन वेल इमेजिन राइट जो बच्चे इसके बिना पैदा होते हैं वो पैदा होते ही बूढ़े बन जाते हैं उसका एग्जाम्पल रेयरली होता है कभी लेकिन जब होता है तो कारण ये होता है कि उनके बॉडी ने यहीं पे पाथवेज को ब्रेक कर दिया उनके बॉडी में ये पूरा नहीं बन रहा है राइट right? लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसको जबरदस्ती उसको कोलेस्ट्रॉल की दवा लेके स्टार्टिंग टू लेके इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं या काटने की कोशिश कर रहे हैं राइट right? अब क्या होता है कोलेस्ट्रॉल की दवा जो ले, लेते हैं कुछ छह महीने में साल में हार्ट की दिक्कत होने लगती है वाय हार्ट कमजोर होगा क्यों कोक्यूटेन डॉक्टर के पास जाएगा डॉक्टर को बोलेगा मेरे हार्ट कमजोर हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया डॉक्टर देखेगा कोलेस्ट्रॉल दवा भी ले रहा था डॉक्टर क्या करेगा अच्छा मैं आपको कोक्यूटेन लिख के देता हूं ये भी लेना शुरू कर दो राइट right? एक तरफ कोक्यूटेन खत्म कर रहे हैं दूसरी तरफ उसको आर्टिफिशियल दे भी रहे हैं तो यू कैन वेल इमेजिन लेकिन बॉडी जो बनाता है वो उसका रिप्लेसमेंट आर्टिफिशियल कैप्सूल टैबलेट नहीं हो सकता राइट रात दिन ये बोलने रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद करो वो एक और दवा आपको पकड़ा देगा राइट सो सो ये जितने भी सारे केमिकल्स हैं जितने आपके दिख रहे हैं ये सारे केमिकल बॉडी इसलिए बनाता है क्योंकि इनका एक एक रोल है आपके बॉडी में राइट तो जो कोलेस्ट्रॉल की दवा है एक्चुअली दुनिया में कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता हो वो दवा जो है स्टैटिन जिसे बोलते हैं आप किसी डॉक्टर से बोलिए इसका केमिकल नाम बताइए केमिकल नेम ऑफ स्टैटिन तो केमिकल नाम है इसका एच एम जी को एनजाइम इनहेबिटर एच एम जी कोबिटर केमिकल मतलब क्या हुआ कि ये इस केमिकल को रोकता है कम करता है ना कि इसका कोलेस्ट्रॉल इनहेबिटर ये तो नाम नहीं है ना इसका नाम क्या है एच एम जी कोबिटर दैट इज द नेम ऑफ स्टेटिन का जो केमिकल है, आप चेक कर लीजिए दैट इज एच एम जी इस मतलब को रोकता है काम करने से राइट right? तो आप जो ले रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉलिंग ड्रग नहीं ले रहे हैं नाम ही उसका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ड्रग है है स्टैटिन एक्चुअली आप जो ले रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक काम कर रहे हैं एच एम जी को आप ये पूरे ब्रांच ऑफ केमिकल को अपनी बॉडी में बनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम तो हेल्दी हो जाएंगे तो बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि इसी वक्त राइट डोंट टेक द नेक्स्ट डोज राइट आपका कोई दोस्त हो दुश्मनों को बोलिए इसको फेंक दे यूज़ ना करें कभी राइट सो साइंस हैज टोल्ड अबाउट इट इट इज ऑलरेडी देयर नाम से ही साफ क्लियर है राइट right? नाम से ही क्लियर है अब कोलेस्ट्रॉल की आपने कहानी सुनी तो इससे आपको एक अंदाजा हो गया कि कोलेस्ट्रॉल टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए वो भी सब मीनिंगलेस चीजें हैं राइट दोज थिंग्स आर आल्सो नॉट रिक्वायर्ड मैं तो ये बोलता हूं कि कोलेस्ट्रॉल को मेजर करने की जरूरत ही नहीं है

1978, रिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन राइट नाइनटीन सेवन की बुक पढ़ेंगे तो वो 300 था फिर 250 हो गया धीरे धीरे करते 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 right? राइट इसकी कहानी मैं अलग से आपको बताऊंगा राइट right? लेकिन 300 से ऊपर रेयर केस में तो क्या तब कोलेस्ट्रॉल की को दवा लेनी चाहिए तब भी लेनी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा हमारा काम बाकी सारे केमिकल को घटाना नहीं है सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को घटाना है तो कोलेस्ट्रॉल को घटाने का एक फॉर्मूला मैं बताता हूं अगर आपको वाकई में घटाने का शौक है पहली बात तो उस पर ध्यान मत दीजिए लेकिन फिर भी ध्यान दे रहे घुमा फिरा के नहीं मुझे घटाना ही है तो सिर्फ एक काम कीजिए वो खाना मत खाइए जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो अब सवाल क्या आएगा कैसे पता चले कौन से खाने में कोलेस्ट्रॉल है कौन से में नहीं है उसके लिए सिर्फ एक बात याद रखिए कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत भगवान ने सिर्फ एनिमल्स को दी है यू आर एनिमल और यू आर प्लांट एनिमल सिर्फ एनिमल ही कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं काजू एनिमल है कि प्लांट है जीरो कोलेस्ट्रॉल राइट तो प्लांट से कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं ये प्लांट में ताकत है ही नहीं तो सिंपल बात ये है कि अगर आप एनिमल नहीं खा रहे हैं और डेयरी प्रोडक्ट जो कि एनिमल प्रोडक्ट है नहीं ले रहे हैं सो so कोलेस्ट्रॉल काजू में नहीं है हो भी नहीं सकता क्योंकि वो तो प्लांट है कभी अगर एनिमल के अंदर से काजू निकल रहा होगा तो मुझे उसका पता नहीं राइट एज लॉन्ग एज इट इज प्लांट इट इज हैविंग जीरो कोलेस्ट्रॉल तो बस एक बात देखिए क्या ये प्लांट है तो जीरो कोलेस्ट्रॉल राइट तो जितना मर्जी खा सकते हैं जितना आपका दिल करे जब तक पेट ना भर जाए जी ना भर जाए तब तक खा सकते हैं बेशुमार खा सकते हैं। तो भाँगा तो भाँगा तो भाँगा। आ, ये बात तो है सो so, तो एक ही रूल है ट्राई टू रिड्यूस द एनिमल फूड ओनली एनिमल फूड कंटेन कोलेस्ट्रॉल प्लांट फूड डू नॉट कंटेन कोलेस्ट्रॉल जो लोग कई बार हमारे uh, पेशेंट होते हैं बोलते हैं हम तो एनिमल नहीं खाते लेकिन डेयरी प्रोडक्ट तो खाते हैं ना तो वो भी कोलेस्ट्रॉल है पूरी तरह से वो कम्स फ्रॉम एनिमल राइट जहाँ जहाँ मेरे सेंटर है मलेशिया में वियतनाम में वहाँ सब नॉनवेज है उनके बिना वो चलता ही नहीं है काम उनका अगर उनको बोलूँगा कि एनिमल फूड मत खाओ तो मेरा सेंटर ही बंद हो जाएगा वहाँ पर तो फिर उनसे मैं नेगोशिएट करता हूँ बार्गेनिंग राइट तो नेगोशिएट करता हूँ कि फिर मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है भाई एनिमल फूड खाना एक तो कम खाओ नंबर वन राइट हफ्ते में एक बार दो बार तीन बार जो तीन बार मान जाए नहीं तो चार बार राइट कहीं तो माने और अगर आप एनिमल फूड ले ही रहे हो तो वो वाला एनिमल लो जिसमें कम कोलेस्ट्रॉल हो सवाल क्या है कैसे पता चलेगा कौन से एनिमल में कम कोलेस्ट्रॉल है कैसे पता चलेगा कौन से एनिमल कम हार्मफुल है हमारे हार्ट के लिए सिर्फ एक नियम लेस नंबर ऑफ लेग्स जितने कम लेग्स होंगे एनिमल के उतने कम कोलेस्ट्रॉल राइट right? सिंपल तो मैं उनको ये बोलता हूं खाना एनिमल फूड खाने से पहले देख लो कितने पैर गिन लो पहले बीफ एंड पॉर्क फोर लेग्स वेरी वेरी हार्मफुल चिकन टू लेग्स चलो ठीक है फिश नो लेग्स और अच्छा राइट right? मतलब अच्छा कम वो बुरा राइट right? तो जब भी उनको बोलता हूं कि खाने से पहले प्लेट में देखो कितने लेग वाले एनिमल हैं राइट सो और अगर आपको

सांप के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे तो मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेग्स आर देयर इनसाइड हिडन इनसाइड द स्किन मतलब वो गॉड ने इंडिकेट कर दिया भाई हजारों लेग हैं इसमें मतलब ये कितना ज्यादा खतरनाक है आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं राइट तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल एक्सट्रीम केस में अगर तीन से ऊपर है अकॉर्डिंग टू हेरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन राइट right? तो वो हार्मफुल हो सकता है उस केस में वो तभी हो सकता है इतना ज्यादा किसी का जब वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले फूड खा रहा हो कोलेस्ट्रॉल वाला फूड इज एनिमल फूड और एनिमल में भी एनिमल विद मोर नंबर ऑफ लेग्स सो so, ये सिंपल फॉर्मुला याद रखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है एक एक्सपेरिमेंट अभी हम करेंगे उस एक्सपेरिमेंट से मैं आपको ये समझाऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल की दवा क्या कर सकता है आपके लिए डू यू हैव दिस विद यू एक पेन पेन है? एक पेन ले लीजिए जिनके पास पेन है और ये हाथ में ले लीजिए आपको क्या करना है ये ट्राइंगल है अपने हाथ में रखिए और इस ट्राइंगल के बीच को बीचों बीच एक छेद कर लीजिए मेक ए होल इन द सेंटर जैसे मैंने किया लाइक like दिस ओके okay, अब देखिए यहां पे इसको ऐसे रखिए अपने हाथ में जैसे मैंने रखा है इसके तीन कॉर्नर हैं ग्रीन कॉर्नर देखिए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स राइट रेड कॉर्नर है वो है ब्लड प्रेशर का कॉर्नर है येलो कॉर्नर है वो है ब्लड शुगर का कॉर्नर ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर कौल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है बॉडी के अंदर तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है दे आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर अब डॉक्टर ने आपको कन्विंस किया कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है आप कोलेस्ट्रॉल कम करो दवा ले लो जैसे ही आप दवा लेंगे कोलेस्ट्रॉल जैसे ग्रीन वाला घटेगा तो ये नीचे जाएगा तो रेड एंड येलो कहाँ जा रहा है ऊपर यानी कि तब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका शुगर बढ़ेगा आपका अब शुगर वाली दवा डॉक्टर के पास जाएंगे छ महीने बाद एक साल बाद कि कोलेस्ट्रॉल तो मेरा ठीक आ रहा है जिनको अगर ये नहीं मिला तो आपको मिल जाएगा ब्रेक में यहां देख के आप समझ सकते हैं इसको सो so, जब भी कोई कोलेस्ट्रॉल की दवा लेगा छः महीने में साल में कोलेस्ट्रॉल का दवा लिया ग्रीन वाला नीचे चला गया बट आप देख रहे हैं इसका ऑपोजिट रिएक्शन है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने लगेगा एंड ब्लड शुगर भी ज्यादा होने लगेगा तो एक साल बाद दोबारा चेकअप के लिए जाएगा उसका बोलेगा कि आपका तो ब्लड शुगर ज्यादा आ रहा है तो ये नहीं बोलेगा कि कोलेस्ट्रॉल की दवा को खत्म कर दो बोलेगा क्या बोलेगा

ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक साल दो साल में पहले कोलेस्ट्रॉल जुड़ गया फिर ब्लड प्रेशर जुड़ गया या पहले कोलेस्ट्रॉल जुड़ गया था फिर डायबिटीज जुड़ गई कौन सा पहले जुड़ेगा वो आपकी किस्मत है लेकिन एक भी दवा शुरू करेंगे तो 73 परसेंट चांसेस है कि ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट टू ईयर्स आप बाकी दो जो है ना वो कॉम्बो कॉम्बो ऑफर बाकी दो भी आपको मिल ही जाएंगे राइट तो पीछा कैसे छुड़ाना है एक को छोड़िए दूसरे को छोड़िए तीसरे को छोड़िए राइट सिंपल राइट और छोड़ने का तरीका क्या है मैंने आपको ब्लड प्रेशर का बताया था जब भी खाना खाएंगे तो क्या देखेंगे पहले इफ इट इज गॉड मेड यू ईट इट मैन मेड यू लीव इट डायबिटीज का फॉर्मूला डी आई पी डाइट आपने देख ही लिया था और कोलेस्ट्रॉल भी आपको पता चल गया कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल फूड में होता है तो ट्राई टू अवॉइड इट एंड द मोमेंट यू अवॉइड इट कोलेस्ट्रॉल के नॉट बी हाई आपका बॉडी उतनी कोलेस्ट्रॉल बनता है जितनी की बॉडी को खुद जरूरत है लेकिन जब आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं और बॉडी भी बना रहा है तभी वो एक्सेस हो सकता है तो कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम बॉडी का है तो बॉडी को ही करने दें हम अलग से कोलेस्ट्रॉल लेंगे यानी कि जैसे दूध पिएंगे तो उसमें एडिशनल कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के पास वो वाली कैलकुलेशन नहीं है एंड उस केस में कभी कभी किसी किसी में वो एक्सेस हो सकता है और वो एक्सेस कैन बी डैमेजिंग इन रेयर केसेस राइट अगर डैमेजिंग है तो सो दिस यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड अब सवाल आता है कि आज घर जाके क्या करना है आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हार्ट डिजीज है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट हार्ट अटैक अटैक कि मान लो किसी को आ ही गया आपके सामने पेशेंट है तो अब क्या करना है वॉट नेक्स्ट थिंग ताकि वो अभी रिवाइव हो जाए अभी आपके पास सिर्फ कुछ सेकेंड होते हैं हाउ टू रिवाइव इट तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अगर नॉलेज थोड़ी सी मिल जाए तो इंसान बच सकता है वो जान तो बच ही सकती है उसके पैसे भी सारे बच सकते हैं राइट तो वो वाला टॉपिक अभी हम uh, डिस्कस करने जा रहे हैं हार्ट डिजीज राइट हार्ट अटैक वो क्या होता है कैसे करना है ऑल दोज थिंग्स जो घर में बैठ के आप अपने किचन को ही अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राइट सुपर स्पेशलिटी किचन बना सकते हैं राइट सो so, उसके लिए आपको क्या करना है आपके पास एक सांप सीढ़ी का एक गेम है दिस यू आर हैविंग ठीक है स्क्रीन पे देखिए घर में जाके उसको रेफर करना है आपको आपको सिर्फ जीवन में सात सीढ़ियां चढ़ना है और आपके घर में सात सांप हैं उनको उठा के बाहर फेंकना है अगर आपने ये कर दिया तो हार्ट डिजीज क्या वो डायबिटीज क्या वो हाइपरटेंशन क्या वो ट्यूमर क्या वो सिस्ट क्या वो स्टोन क्या वो हाई कोलेस्ट्रॉल छुपे हुए हैं किस राइट है वो कौन सा स्नेक है ब्लू जितना ज्यादा बड़ा स्नेक उतना खतरनाक स्नेक राइट right? जितना बड़ा सीढ़ी बड़ी सीढ़ी उतना ज्यादा फायदेमंद सीढ़ी तो सात सीढ़ी बनाई मैंने और सात सांप बनाए हैं उनका साइज को देख के भी आपको अंदाजा लगेगा जिस कलर का सीढ़ी और जिस कलर का सांप तो वो सांप उस कलर का वो वाली बीमारी करता है और वो सीढ़ी चढ़ेंगे तो वो बीमारी खत्म हो जाएगी तो कलर का इंपॉर्टेंस पता चल गया राइट right? तो इस एक सीट के अंदर आपके जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज है सारे ही कवर हो जाते हैं राइट right? ताकि आप उसको समझ पाए उसको याद रख पाए उसको घर पे जाके इंप्लीमेंट कर पाए और एक छोटा बच्चा भी घर पे है तो उसको भी सिखा पाए थ्रू दिस गेम ऑफ स्नेक एंड लैडर राइट सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस गेम सो द मोस्ट डिफिकल्ट सबसे बड़ा सांप सबसे खतरनाक सांप है सांप कौन सा कलर का है ये ब्लू दिस इज द स्नैक ऑफ डायग्नोसिस सबसे पहले तो इससे बचना है हर हाल में इससे बचना है राइट right? ये, ये कारण है सबसे ज्यादा लोगों के डिजीज रहने में सिक रहने में दैट स्टार्ट विथ डायग्नोसिस डायग्नोसिस करेंगे राइट right? आप हेल्दी से हेल्दी इंसान ले आइए जो आपकी नजर में सबसे हेल्दी है और उसको फुल बॉडी चेकअप कराइए मेरा फुल बॉडी चेकअप कराइए फॉर एग्जाम्पल लेकिन जब मैं बाहर आऊंगा तो सारी रिपोर्ट देखूंगा तो मैं दुनिया का सबसे ज्यादा सिख मिलूंगा राइट रिपोर्ट ऐसा बोलेगी तो कितना भी हेल्दी हो डॉक्टर तब तक चेक करते हैं तब तक टेस्ट करते रहते हैं तब तक मतलब जब तक कुछ तो, कुछ तो कुछ निकले ना कम से कम सो so, और टेस्ट इतने सारे हैं कुछ ना कुछ करेंगे तो क्योंकि हम कोई फैक्ट्री के बनाए हुए प्रोडक्ट नहीं है कि बिल्कुल सारे पैरामीटर वैसे ही मिलेंगे जैसे एक्सपेक्टेड है हर इंसान यूनिक है राइट सो हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो फैक्ट्री के हिसाब से डिजाइन नहीं है तो डायग्नोसिस डायग्नोसिस में आपको एक मिनट में ये सांप को मैं बता देता हूं खत्म करता हूं फिर अगले सीढ़ी में जाता हूं कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं की बात करें 1978 में तीन सौ से ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल है उन्हीं को बोलेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि तीन से ऊपर जो लोग हैं वही लोग कोलेस्ट्रॉल दवा लें नाइनटीन 98 में क्या कर दिया 250, 240 से ऊपर जिनका होगा उनको हाई कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे 1998 के बाद क्या कर दिया 200 से ऊपर जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल और ये नॉर्मल अब देखिए थोड़े से लोग नॉर्मल रह गए और ज्यादा लोग जो है वो अब नॉर्मल हो गए और आज की बात करें नाव राइट तो अब नया रूल ये है कि किसी की भी उम्र अगर 45 से ऊपर है तो उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है सीधा कोलेस्ट्रॉल की दवा स्टार्ट कर दो राइट तो ये नया रूल है इट right. यहां तक कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आपको हैरानी होगी कि यह भी सजेशन आया फार्मास्यूटिकल कंपनी का कि भाई कोलेस्ट्रॉल की दवा इतनी जरूरी है कि आप जो वाटर टैंक में उसमें उसी में घोल दें <laughs> पानी हरे के घर में आएगा ही ये एक अमृत है घरे के पेट में अपने आप जाएगा यहां तक राइट सो सो तो मैं ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं अगर आप थायराइड की बात करें थायराइड की बात करें अगर 2003 तक थायराइड क्या था पॉइंट वन जिले के सिक्स के बीच में जिनका एस एच लेवल वो नॉर्मल था राइट right? यहां तक नॉर्मल है इसके बाद जिनका टीएसएस उन्हीं को थायर की बीमारी मानते थे अब क्या किया उसको स्क्वीज कर कर दिया छोटा कर दिया छोटा पॉइंट को को तक ले आए राइट right? और पॉइंट पॉइंट को तक ले आए यूं माने कि आप फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं आप हारना नहीं चाहते आप क्या करते हैं जब भी मौका मिलता है अपना जो गोल पोस्ट है छोटा कर रहे हैं छोटा कर रहे हैं छोटा कर रहे हैं एक टाइम आया गोल पोस्ट इतना छोटा हो गया कि फुटबॉल के साइज से छोटा गोल पोस्ट तो दुनिया का रोनाल्डो भी आएगा तो आपको हरा नहीं सकता राइट right? तो वही वाला काम हो रहा है मेडिकल साइंस में कि हर बार कुछ कुछ साल बाद एक साल दो साल बाद तो पैरामीटर तो और कम और कम और कम और कम और एक टाइम ऐसा आ गया आज की तारीख में बस वही इंसान हेल्दी है जो कि अपना चेकअप नहीं कराता है तो सबसे बड़ा सांप से बचना है कि चेकअप वाला सांप से क्योंकि आपके बॉडी के अंदर वो सारे मैकेनिज्म है जो आपको घड़ी घड़ी बताती है राइट कि आप बीमार हैं या हेल्दी हैं वो पेन से दर्द से डिस्कम्फर्ट से आपको बताती है अलर्ट करती है नॉट टू गो फॉर डायग्नोसिस राइट सो हड्डियों की अगर बात करें तो उसमें भी आप देखेंगे पहले पैरामीटर कुछ और थे और उसके बाद कुछ और हो गए 2003 में आज के पैरामीटर और स्क्वीज हो गए ये हिस्टोरिकली अगर देखेंगे लगातार घटते जा रहे हैं घटते जा रहे हैं अब मैं आपको बोलता हूं कि ऑस्टोपोरोसिस की बात है 50 साल के ऊपर के किसी भी इंसान को आप ये टेस्ट कराइए वो उसको कैल्शियम की गोली मिलकर ही आएगी क्योंकि ये जो पैरामीटर बने हैं ये पैरामीटर बने हैं बीस साल के आदमी के हिसाब से लेकिन बीस साल का आदमी पचास साल का आदमी कंपेयर नहीं कर सकते राइट और तो उतना हेल्दी हो नहीं सकता लेकिन फिर वो कैल्शियम की गोली देंगे ही देंगे अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात हमने डायबिटीज के लिए कल बात की पैरामीटर्स की कोलेस्ट्रॉल के लिए आज बात की हमने राइट ब्लड प्रेशर की बात की एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट इज एड्स एच आई वी एड्स राइट एच आई वी एड नाम से ही लोग घबरा जाते हैं राइट नाम से इतना लगता है कि नाम ही सुनेंगे तो ही एच आई वी हो जाएगा इतना ज्यादा खौफ HIV का फैला हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है आपको जान के ताजुब होगा शॉक होंगे कि एच आई वी एड्स नाम की कोई बीमारी है ही नहीं दुनिया में देर इज नो सी डिजीज कॉल्ड एच आई वी एड्स तो मैं आपको आंकड़े देता हूँ 1981 जब से शुरू हुआ है तब ये डिसाइड किया गया था कि 12 ऐसी बीमारियों को चुन लिया गया था कि अगर 12 ऐसी बीमारी जैसे इन्फ्लुएंजा है किसी भी तरह का फ्लू है राइट right, फीवर है देर सडन काइंड ऑफ कैंसर राइट सडन काइंड ऑफ लंग इन्फेक्शन कि ये सारी 12 बीमारियां हैं इस बीमारियों है का को कोई पेशेंट आता है ट्यूबिक्लोसिस फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ दम तो उसको एच टेस्ट कराओ और अगर उसको पॉजिटिव आएगा तो हम बोलेंगे ये एच का पेशेंट है और नेगेटिव आएगा तो बोलेंगे ये उस बीमारी का पेशेंट है दैट नाइनटीन

उनमें से कोई भी बीमारी के साथ अगर कोई पेशेंट आता है तो बाई डिफॉल्ट उसका एच टेस्ट होगा और एच टेस्ट में एच पॉजिटिव निकलेगा तो बोल देंगे ये एचआईवी का पेशेंट है नेगेटिव निकलेगा तो बोलेंगे उस बीमारी का पेशेंट है राइट टाइम बहुत कम है राइट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा लेकिन बोलने का मतलब यह है कि अगर आप देखते हैं इतने सारे एचआईवी पेशेंट हैं तो ट्रुथ है कि नंबर ऑफ बीमारियां बढ़ा रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ़ बीमारियां बढ़ाएंगे उतने एच के पेशेंट बढ़ जाएंगे राइट तो एच आई वी का टेस्ट का साइंस अगर आप देखेंगे तो वो भी उतना ही खोखला है जितना कि बाकी सारी चीज़ देखें इसके लिए मैंने एक किताब लिखी है दैट इज़ एच आई वी एट द ग्रेटेस्ट लाई ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी राइट अगर आपको ये किताब पढ़नी है तो आप लिख देंगे किताब ये चाहिए तो मैं आपको ई मेल करके ई बुक भेज दूंगा इंग्लिश में है हिंदी में आने वाली है राइट right? हिंदी में मेरे ख्याल से विद इन फ्यू डेज राइट बाई द एंड ऑफ बाई द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट वीक मंथ हिंदी में भी आ जाएगी तो हिंदी में पढ़ सकते हैं तो एजुकेटर एजुकेटर जो लोग डायबिटीज उनको उनको ये उनको ये नॉलेज से चलेगा कितना घोटाला है तो हमें अपना हेल्थ का खुद ही ध्यान रखना है तो यहां मैं बता रहा था डायग्नोसिस चाहे वो एच की डायग्नोसिस की बात करें या डायबिटीज की डायग्नोसिस की बात करें डायग्नोसिस इज द मोस्ट डेंजरस स्नेक अराउंड तो डायग्नोसिस से बचें बचे सो ये जनरल ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मेरा पूरा रिव्यू आया है रिसर्च आर्टिकल एच पे ये ऑनलाइन ही आप जर्नल में जाएंगे तो पढ़ सकते हैं राइट right? और आई कैन गिव यू लिंक अगर आप को नहीं मिलता है दुनिया में एक चीज देखी गई आपने अभी तक सारी दवाइयों की बात की कि जब जब डॉक्टर्स हड़ताल पे जाते हैं वहां वहां की हेल्थ लोगों की इम्प्रूव होने लगती है goes down when the doctors go on strike all over the world चाहे वो दिल्ली के स्ट्राइक की बात करें कैलिफोर्निया में स्ट्राइक हुआ था उसकी बात करें या इसराइल में स्ट्राइक बहुत बड़ा डॉक्टर का हुआ था उसकी बात करें लंडन में हुआ था उसकी बात करें सारे स्ट्राइक का जब निचोड़ देखते हैं कि जितने दिन डॉक्टर स्ट्राइक में रहते हैं उतने दिन वहाँ के जो लोग हैं उनकी हेल्थ अपने आप इम्प्रूव होने लगती है और जैसे ही डॉक्टर स्ट्राइक से आते हैं वापस काम पर दोबारा हेल्थ वहीं की वहीं पहुँच जाती है पहले वो थी राइट ये ये कोई मेरी मैं मेरे अपना कोई राय नहीं है या अपना कोई एनालिसिस नहीं है ये ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड जर्नल ब्रिटिश मेडिकल जर्नल सब में सारे आंकड़े हैं राइट सो so, इस पे मैंने एक बुक लिखी है वाई द मोटलिटी रेट ड्रॉप्स ऑन द डॉक्टर गोल्ड स्ट्राइक राइट अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि अगर आपको बीमारी से बचना है तो सबसे पहले दवा से बचना पड़ेगा राइट right? कोई भी बीमारी परमानेंट नहीं रह सकती इंसान के साथ लेकिन जब वो बीमारी होती है उस दौरान हम पैनिक में वी स्टार्ट मेडिसिन राइट मेडिसिन बीमारी को नहीं ठीक कर सकती बीमारी को सिर्फ एक ही इंसान ठीक कर सकता है वो आप खुद आपकी खुद की इम्यूनिटी नथिंग एल्स मेडिसिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता जो आपकी बीमारी को ठीक करे आपको कंफर्ट दे सकती है ऐसा एहसास दिला सकती है कि कोई तकलीफ नहीं है फॉर ए टाइम ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम बट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू इवन मोर सिक राइट ये किताब पढ़िएगा या फिर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ हर साल जैसे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है हमारे अलग अलग शहरों से डायबिटीज एजुकेटर आए हैं तो ठीक कितने हैं आज डायबिटीज एजुकेटर प्लीज रेज हैंड वंस अगेन मेनी ऑफ यू यू थैंक थैंक्स फॉर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री और हर साल जो कार्डोलॉज हार्ट के डॉक्टर हैं पूरे दुनिया से इकट्ठे होते हैं मार्च के महीने में कैलिफोर्निया में एवरी ईयर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज करता है एवरी ईयर मार्च के महीने इस साल भी हुआ पच्चीस हजार हार्ट के डॉक्टर पूरे दुनिया से अपने अपने हॉस्पिटल को छोड़ के आते हैं 2001 या 2 से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है 2010 में किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि जरा सोचिए तीन दिन के लिए पूरे दुनिया के हार्ट के डॉक्टर गायब हो गए तो उस तीन दिन में दुनिया के हार्ट के पेशेंट का क्या हाल होगा हार्ट अटैक इमरजेंसी न जाने क्या क्या तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है कि सारे हार्ट के डॉक्टर तीन दिन के लिए गायब हो गए बारी बारी से जाओ या कोई और तरीका निकालो राइट तो इसलिए ये जो कॉन्फ्रेंस है इस तरह का हर साल का ये बंद करना चाहिए तो किसी ने राय दिया कि बिफोर वी स्टॉप इट राइट पिछले दस साल से तो हम कर ही रहे हैं तो दस साल से उन सारे हॉस्पिटल में जाके देखते हैं उन तीन तीनों दिनों में मरीज का क्या हाल था हो रहा था और वो सारे आंकड़ों को इकट्ठा किया और कंक्लूजन निकला कि जिस दौरान डॉक्टर्स गायब थे हॉस्पिटल से उस दौरान जो हार्ट के पेशेंट के बीच में मोर्टिलिटी रेट थी वो आठ प्रतिशत ऑन एवरेज घट गई थी उन तीनों दिनों में राइट right? सो so, फिर नतीजा निकला आ तो फायदा हो रहा है पेशेंट को चलने दो तब से लेके फिर चल रहा इस साल भी हुआ था राइट right? तो so, अगर ये ऐसा रिजल्ट नहीं आता इसका अपोजिट आता तो शायद वो कॉन्फ्रेंस नहीं चलता तो बोलने का मतलब है कि जो एक्चुअल स्टेटिस्टिक है वो आपके सामने है और उससे आपको खुद अपना डिसीजन मेकिंग करना है वॉट यू हैव टू डू तो आपको सिर्फ एक ही करना है पहला काम करना है कि उस को, स्नेक को डायग्नोस्टिक स्नेक को टू मच डायग्नोसिस इज वेरी हार्मफुल जब भी डायग्नोसिस करेंगे तो आप उस ट्रैप में फंसेंगे ही फसेंगे तो डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी राइट right? अगर कुछ होगा गड़बड़ तो आपका बॉडी बताएगा लेट इट बी और हमें याद रखना है कि जो भी इंसान इस दुनिया में आए कभी ना कभी तो जाना ही है उसको राइट लेकिन सड़ के गल के और बहुत पेनफुल रह के तब जाना ये हमें लगता है कि इंसान का जो आखिरी कुछ साल है मरने के लिए तो पेनफुल डेथ होता ही है जबकि एनिमल्स में आप देखेंगे वो एक दिन पहले तक भी हेल्दी होते हैं एंड देन सडनली दे गो अवे राइट तो भगवान ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम हम जिंदगी के आखिरी कुछ साल बहुत परेशानी में और पेनफुली अपने आप को परेशान करके अपने घर वालों को परेशान करके सारा चीज़ पैसे वैसे लुटा के तब जाएँ ये इस इस चीज़ के लिए भगवान ने हमारी एंडिंग इस तरह से तो नहीं बनाई होगी श्योरली लेकिन हमने ऐसा कर दिया है उसको राइट right? तो इफ़ यू आर लिविंग हेयर यू हैव टू गो समाइम बट वाई टू गो सिक राइट बीमार पड़ के क्यों मरे दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग तो उस स्नेक को डायग्नोस्टिक को बाहर फेंकीिए और उसकी जगह ये लेटर पकड़ी है यह सबसे बड़ा लेटर है सबसे बड़ी सीडी है ये दिस इज ईट द होल फूड ये सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप ये तीनों दिनों में से आप बोलेंगे मैं सिर्फ एक ही बात आपकी मानना चाहता हूं तो वो ये ये सीढ़ी इन दिस होल थ्री डेज इफ यू से दैट आई एग्री ओनली वन थिंग तो मैं बोलूंगा आप इसको सुनिए जो अब मैं बता रहा हूं दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल द थ्री डेज ये लैटर ये बोलता है कोई भी फल और कोई भी वेजिटेबल आप उसी फॉर्म में अगर खाते हैं जिस फॉर्म में नेचर ने उसको बनाया है तो आपका बॉडी कोलेट्रल आर्टरीज प्रोड्यूस करता है राइट योर बॉडी प्रोड्यूसेस हैल आर्टरीज सो कोलेट्रल आर्टरीज क्या है देखिए इसको समझाता हूं मैं थोड़ा ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है और यहां पे धीरे धीरे ब्लॉकेज बनता है और एक टाइम आता है ब्लॉकेज हंड्रेड परसेंट हो जाता है और ऐसे टाइम पे ब्लड आगे नहीं फो फ्लो, फ्लो करेगा तो आसपास के जो सेल्स हैं दे विल डाय तो ऐसी इमरजेंसी के लिए जब आप पैदा हुए थे गॉड ने हजारों इस तरह के कोलेट्रल आर्टरी बनाए थे जैसे कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो चार पहियों के साथ एक स्टेपनी भी होता है मैन्युफैक्चरर चाहता नहीं कि आपका जर्नी आ, में बीच में रुकावट आए और पंचर जब होता है तो आप स्टेपनी को इस्तेमाल करते हैं आपकी जर्नी चलती रहती है ठीक इसी तरह से हजारों की तादाद में स्टेपनी यानी कि कोलेट्रल आर्टरीज जब आप पैदा हुए थे आपके बॉडी में हमारे बॉडी में भगवान ने ये फिट किया हुआ है अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये अनगिनत छोटे छोटे ब्लड मेसल दिखेंगे जो कि अनयूज है अनयूज लाइक ए स्टेपनी लेकिन ये बॉडी इमरजेंसी में यूज करती है जब कभी ब्लॉकेज होता है तो बॉडी क्या करती है ये दोनों एंड खोल देती है और ब्लड यहाँ से फ्लो होता है और ब्लॉकेज है तब भी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा आपको ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा आपको पता भी नहीं चलेगा कई बार आता है पेशेंट का कि हंड्रेड परसेंट ब्लॉकेज है भाई तीनों आर्टरी में लेकिन पेशेंट जिंदा है स्टिल पेशेंट इज लाइफ क्योंकि उससे कोलेक्ट्रल खुले हुए हैं कोलेट्रल खुले हैं तो उसको पता नहीं चल रहा राइट सौ सौ प्रतिशत ब्लॉकेज है तो कोलेट्रल अगर आपके खुले कोलेट्रल मतलब एक्स्ट्रा आर्ट्री स्ट्रेपनी का नाम है मेडिकल भाषा में कोलेट्रल आर्टरीज अब सवाल आता है कि अगर ये मैकेनिज्म बॉडी में है तो किसी को हार्ट अटैक आता ही क्यों है हार्ट अटैक इसलिए आता है क्योंकि जब उसका ये हंड्रेड परसेंट ब्लॉक हो जाता है तो उस वक्त उस इंसान की बॉडी ये दोनों एंड खोल नहीं पाती है और ब्लड यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है राइट फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी पंचर हो गई आपके स्टेपनी है लेकिन स्टेपनी होना काफ़ी है क्या उसको बदलने के लिए लेकिन क्या होता है अरे वो टूल तो है ही नहीं है तो हमें आता ही नहीं कभी देखा ही नहीं राइट right? तो स्टेपनी होना पहला कंडीशन है बट उसके साथ साथ वो स्किल होना और वो टूल्स होने जो स्टेपनी को बदलने में सहायता करेंगे वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ठीक इसी तरह से भगवान ने आपको स्टेपनी बना के भेज तो दिया स्टेपनी आपके बॉडी में डाल के लेकिन ये स्टेपनी को खोलना इसको यूज करना उसके लिए टूल्स चाहिए और दो टूल है उसके पहला टूल सिर्फ पहला सबसे इंपॉर्टेंट टूल जब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को उसी फॉर्म में खाते हैं जिस फॉर्म में कुदरत ने बना के भेजा है तो वो जब बॉडी में जाती तो तब वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में राइट right, हेल्प uh, करती क्या है बॉडी का टूल इसको खोलने के लिए ये दोनों एंड तभी खुल सकते हैं जब यहाँ पे बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी तब और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए क्या चाहिए आपको नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने का सिर्फ एक ही नियम है खाने को उसी ढंग से खाओ जैसे नेचर ने प्रोड्यूस किया दैट इज कॉल्ड नोबल प्राइज विनिंग साइंस राइट 1998 प्राइज विनिंग साइंस है तो ये यूं ही नहीं है ये नोबल प्राइज विनिंग साइंस है तो आप इस पर थोड़ा और ज्यादा राइट right? इस पर रिसर्च कर सकते हैं भरोसा कर सकते हैं तो जैसे फल है सब्जी है बिना उसको अगर कुक किए कुकिंग करने से पॉइजन नहीं बन जाता लेकिन जब कुक करते हैं वो फूड नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद नहीं करेगा राइट right? तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है तो उसको अनकुकड ही लेना पड़ेगा ऑनली देन वो बनेगा राइट right? तो ये नंबर वन नंबर टू कंबाइंड विद दैट एक्सरसाइज जो लोग एक्सरसाइज करते हैं लगभग थर्टी फोर्टी मिनट्स एवरी डे तो उनके बॉडी में क्या होता है पहले से ही आर्टरीज खुले रहते हैं ऑलरेडी ओपन तो कभी हार्ट अटैक आएगा या बाकी आर्टरी ब्लॉक हो जाएंगे तो उस वक्त बॉडी को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वो तो पहले से खुला हुआ है राइट सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट तो अगर आप उनमें से हैं जो पहले से एक्सरसाइज करते आए हैं राइट right? और साथ में अगर आप ये भी शुरू कर दें जो मैंने अभी बताया आपको कि रोज आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उसी फॉर्म में खाना है जिस फॉर्म में कुदरत ने बनाया जैसे कल का डी आई पी डाइट था डी आई पी डाइट आपको याद है क्वांटिटी कितना है वो मैंने बता दिया थोड़ा सा प्रसाद की तरह खाएंगे तो वो खाना नहीं हुआ द क्वांटिटी जितने क्वांटिटी मैंने कल बताया उस क्वान्टिटी में जब खाएंगे देन इट इज कॉल्ड नाइट्रोक्साइड प्रोडक्शन इसके लिए एक छोटा सा रूल आप देखिए हार्ट हार्ट का साइज कितना है इतना साइज है कितना ग्राम का है करीब ढाई सौ ग्राम दो सेब के बराबर राइट और हार्ट का, का काम क्या है देखिए आपने ये यू आर राइट आपने ये सीखा है बचपन से कि हार्ट क्या करता है उसका एक काम है ब्लड को सर्कुलेट करना पूरे बॉडी में आर्टरीज में ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज में, में वेन्स में ये सीखा आपने और ब्लड वेसल्स कितने लंबे होते हैं बताया था मैंने कल एक लाख किलोमीटर यहाँ इंजीनियर्स हैं कोई इंजीनियर स्टूडेंट या है इंजीनियर स्टूडेंट आप बनाए एक लाख किलोमीटर तक अगर ब्लड को पंप करना हो राइट और कई सारे कैपिलरीज इतने छोटे होते हैं उनका डायमीटर जो ब्लड के सेल से के डायमीटर से छोटा कैपिलरीज कैटिंग द पॉइंट राइट पाइप छोटा लेकिन उसके अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो बड़ा तो कितना पुश करना पड़ेगा राइट right? और कितना लंबा एक लाख लीटर कि कि किलोमीटर और कब तक लगातार सालों साल राइट right? उसके लिए मशीन का साइज कितना है इतना सा साइंस में इंजीनियरिंग में क्या लगता है लॉजिकली पॉसिबल है इतना छोटा सा मशीन अगर इसको मशीन माने पंप माने और इतना लंबा धक्का दे के ब्लड को वो लगातार सर्कुलेट कर रहा है क्या ये लगता है कि ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा राइट तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हार्ट क्या करता है हार्ट का सिर्फ इतना काम है ब्लड को अपने से बाहर फेंकना उतनी ताकत है उसमें पूरा सर्कुलेट करने की क्षमता नहीं है उसमें ब्लड को बाहर फेंकना बस लेकिन अब क्वेश्चन क्या आएगा अगर हार्ट सर्कुलेट नहीं करता तो कौन सर्कुलेट करता सर्कुलेट तो होता है

और उस पंपिंग में जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड इसका मतलब यह है कि नाइट्रिक ऑक्साइड आपका बॉडी बना रहा है तभी ब्लड पंप हो रहा है दैट इज अट इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है आपके जिंदा रखने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड जो कहाँ प्रोड्यूस होता है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हर जगह प्रोड्यूस होता है ब्लड वेसल के इनर लाइन में और इनर लाइन तो हर जगह ही है और उससे वो आगे पुश होता है लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को जो चीज चाहिए वो है रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप देखेंगे मेरे पास जब पेशेंट आते हैं मैं एक ही काम बोलता हूँ डायबिटीज एजुकेटर को मैंने बोला है कि आप बोलो कि भाई पहले लिखो क्या आप खाते हो कई बार पेशेंट आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल घर का खाना खाता हूँ मुझे कैंसर कैसे हो गया मैंने कभी सिगरेट नहीं छूड़ा कभी शराब नहीं छुआ चाय तक नहीं पीता पिज़्ज़ा वगैरह तो छोड़ ही दीजिए घर का खाना खाता हूँ मैंने कहा लिखिए जो भी आप खाते हैं तो जब मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है सुबह रोटी सब्जी दोपहर को रोटी सब्जी रात को रोटी सब्जी और ऐसा सभी के साथ या फिर ब्रेड टोस्ट बिस्किट चाय यही ना अब बताइए यहाँ पे नाइट्रो ऑक्साइड प्रोडक्शन का कहां पे स्कोप है? कहां पे है है कहीं नहीं है अगर आप बोलेंगे रॉ वेजिटेबल फ्रूट तो बोलेंगे हाँ शायद उस दिन मैंने खाया था राइट तो आप अनजाने में हमारी लाइफ को ऐसा बना देते हैं धीरे 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 बॉडी इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस नाइट्रो ऑक्साइड लेसर एंड लेसर एंड लेसर बिकॉज उसके प्रोडक्शन के लिए जो चीज चाहिए वो खुराक नहीं दे रहे अनजाने में सही और देन यू बिकम सिक राइट एंड हाईली सिक नाइट्रो ऑक्साइड कम होगा तो कैंसर होगा राइट नाइट्रो ऑक्साइड कम होगा हार्ट डिजीजा होगा राइट सो नाइट्रो ज्यादा होगा तो हार्ट डिजीज कम होगा नाइट्रो ज्यादा कैसे होगा दैट इज द ऑनली थिंग दैट इज टेक दैट लेडर ये सीढ़ी अब पकड़िए कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उसी फॉर्म में खाना है जिस फॉर्म में कुदरत ने बनाया दैट इज अ प्लेट वन राइट right? जो मैंने कल आपको बताया था उसी क्वांटिटी में लेना है राइट right? तब जाके सारी चीज बनेगी कितना समय लगेगा आपने आपने कल देखा बिल किंटन का एक इंटरव्यू सुना राइट right? उसमें उन्होंने दो डॉक्टर इज नंबर टू हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड रैंकिंग में तो क्लीवलैंड क्लिनिक के जो कॉलवेल्टीन से मैंने बातचीत की कई बार मुझे मौका मिला बात करने का मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मान लो एक इंसान है उसको हार्ट अटैक आने वाला है मान लो कुदरती ही इज टू हैव एन हार्ट अटैक और बाई चांस वो एक ये ये वाला डाइट शुरू करता है जो डी आई पी काइंड ऑफ डाइट राइट ये डाइट वो रिकमेंड करते हैं चाइना स्टडी में रिकमेंड करते हैं मैंने वहीं से सीखा है राइट तो कितने दिन बाद वो प्रोटेक्टिव जोन में आ जाएगा कि उसके हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा टल जाएगा कितने समय इस डाइट पर रहने के बाद उनका जवाब आपको हैरान कर देगा उन्होंने बोला वन मील पहली बार खाते ही वन मील राइट जिनका नाम बिल बिलकंडन कर ले रहे थे मैं उनकी बात कर रहा हूं पहली मील में इतनी ताकत है उसमें खाने में राइट right? तो अगर आपको योर हार्ट अटैक आना ही था और आपने उससे पहले एक भी डाइट शुरू कर दिया है तो वो पोस्टपोन हो सकता है दैट इज द पावर ऑफ दिस डाइट राइट एक मील हार्ट डिजीज को बनाने में सालों साल लग गए होंगे लेकिन उसको ठीक करने में कुछ दिन की जरूरत है आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप के एंजाइना पेन वो सब चीज़ें एकदम आपको दिखेगा कुछ दिनों के अंदर वो कम होता जा रहा है क्योंकि वो फील होगा आपको कम हो रहा है आप देखेंगे कि आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तो द मोमेंट यू स्टार्ट तो मैं यही बोलता हूँ कि ये लेटर बहुत ही स्ट्रांग लेटर है इसमें महीनों हफ्तों में नहीं दिनों में राइट पहले मील से इसका फायदा दिखता है दैट इज आउट और उन्होंने जो बोला फर्स्ट मील ये प्रूवन है ये चाइना स्टडी के पूरा जो साइंटिफिक लिटरेचर उसमें ऑलरेडी है या फिर आप मेरी किताब पढ़ेंगे हार्ट माफिया उसमें सारा कुछ मैंने उनके रिसर्च पेपर का जो रेफरेंस उसमें डाला हुआ है राइट उतना टाइम अभी मिलेगा कल तो मैं इसके और डिटेल में जाऊँगा फिलहाल हम चलते हैं अगले लेटर पर अगला, अगला लेटर बड़ा इंटरेस्टिंग है अगला सांप पे चलते हैं दैट इज दूध डेयरी प्रोडक्ट्स डेयरी प्रोडक्ट कोई पॉइजन नहीं है राइट इट इज नॉट ए पॉइजन बट राइट इट इज नॉट ए फूड आल्सो, वो खाना भी नहीं है किस तरह से वो काम करता है वो थोड़ा आप समझिए लॉजिकली कैसे है वो मैंने आपको कल समझाया था बट साइंस के रूप में कैसे काम करता है जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं इस दुनिया में जो भी कुछ आज तक खाया है उसमें तीन बेसिक चीजें फैट है प्रोटीन है तीसरा कौन सा है कार्बोट तीन ही चीज होते हैं दूध में भी ये तीन चीज है बिसाइड और भी बहुत सारी चीजें राइट सो so, उसमें एक हर एक का प्रोटीन अलग अलग होता है दूध का जो प्रोटीन है उसे कहते हैं केसीन वन ऑफ द प्रोटीन केसीन अब केसीन दूध का प्रोटीन है उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो उसमें आपको रिंग दिखेगा सारे प्रोटीन में रिंग दिखेगा दूध का प्रोटीन में जो रिंग दिखेगा दैट इज सेवनटीन रिंग्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सत्रह रिंग हर प्रोटीन में नंबर ऑफ रिंग्स अलग होते हैं दैट्स हाउ एवरी प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटीन अब दूध जब पिएंगे तो प्रोटीन भी बॉडी में जा रहा है और कितने रिंग है उसमें सत्रह स्टमक क्या करता है वो सारे रिंग को अलग करता है और तभी ब्लड में भेजता है अब ब्लड क्या करता है वो अलग अलग रिंग्स को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है और बॉडी तभी उसको यूज कर पाएगा जब रिंग सारे अलग होंगे ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है साइंस है जो कि हमेशा से था राइट right? लेकिन वो सेवनटीन रिंग है वो इतने स्ट्रांगली बॉन्ड है दूध के केस में कि हमारा जो स्टमक है उस स्टमक का एसिड उसको कई बार ब्रेक नहीं कर पाता है तो छोटे बच्चों केस में और बिना ब्रेक हुए वो पूरा का पूरा चेन ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है ऐसे में ब्लड स्ट्रीम के लिए वो ब्लड बॉडी के लिए उपयोगी नहीं है तो बॉडी इम्यूनिटी को ब्रेन इम्यूनिटी को बोलता है वो जो सेवनटीन वो जो uh, प्रोटीन है केसिन उसको उठा के बाहर फेंक दो तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो इम्यूनिटी कैसे पहचानेगी कि भाई कौन से प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना है बिकॉज बॉडी में तो हमारे खुद के प्रोटीन भी है राइट right? तो ब्रेन बोलता है वो वाला प्रोटीन जिसमें रिंग रिंग है 17 अब इंसिडेंटली हमारे जो पेनक्रियाज है पेनक्रियाज का जो बीटा सेल है बीटा सेल क्या बनाता है इंसुलिन बनाता है राइट right? उसका जो प्रोटीन प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर दैट इज आल्सो 17 रिंग राइट right? तो हमारी जो इम्यूनिटी है दैट गेट कंफ्यूज मैं उदाहरण देता हूं मान लो इमेजिन कीजिए कि आप पुलिस मैन है आपकी ड्यूटी लगी है हेड ऑफिस से फोन आता है भाई आपके वहां एक, एक चोर है उसको पकड़िए उसको मार डालिए आप बोलेगा पहचानूंगा कैसे वो बोलेगा भाई चोर के बड़े बड़े मुस्तैदे हैं तो क्या गड़बड़ हो जाएगी समझ रहे ना तो सेम गड़बड़ वही वाली होती है दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज दैट इज कॉल्ड डिजीज हमारे खुद की जो इम्यूनिटी है वो हमारे ही सेल्स को गलती से अटैक करती है ऑटो इम्यून ऑटो इम्यून डिजीज खत्म कैसे हो सकती है जब ये कन्फ्यूजन खत्म होगा कन्फ्यूजन कैसे खत्म होगा वो वाली चीज जो कन्फ्यूजन को ट्रिगर कर रही है उसका सप्लाई को रोक दो दूध पीना बंद किया ऑटो इम्यून खत्म हो गया जब वो सप्लाई चेन आ नहीं रहे तो ब्रेन बोलेगा सेवन सेवनटीन रिंग के बारे में सोचना छोड़ दो इम्यूनिटी को और इम्यूनिटी वो स्विच ऑफ कर देगा ऑटो इम्यून डिजीज राइट तो छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है स्मॉल बेबीज उसमें ऑटो इम्यून आजकल देखेंगे जो बच्चे हैं कई बार पेरे मदर के बार टाइम नहीं होता किसी भी वजह से तो वो अपना दूध ना पिला के फार्मूला मिल्क पिलाते हैं राइट सो सनलाइट का एक्सपोजर भी नहीं है ऊपर से बाकी और चीज़ें वो फास्ट फूड टाइप चीज़ें हैं तो सारा कुछ मिला झुला के तब बनता है डायबिटीज़ टाइप वन पेशेंट मेरे पास ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं दो महीने के बच्चे डायबिटीज़ टाइप वन अनबिलीवेबल राइट तो बोलने का मतलब ये है कि मिल्क इज ए फूड अपने माँ का दूध वो भी पहले कुछ महीने तक राइट right? किसी और के माँ का दूध नहीं किसी और जानवर के माँ का दूध नहीं कई बार हमारे आ, कुछ पेरेंट्स होते हैं बोलते हैं जब मेरा लेक्चर था जलंधर में कि दूध तो हम बच्चों को पिलाते हैं वो इसलिए क्योंकि हमारा बच्चा बड़ा बनता है दूध पी के एकदम ग्रो करता है ये सही बात है कि दूध पिलाएंगे तो बच्चा एकदम ग्रो करेगा क्योंकि गाय के दूध में जो जो ग्रोथ फैक्टर है जो ग्रोथ हार्मोन है वो छह गुना है इंसान के दूध से अब गाय का बछड़ा देखिए छह महीने में कितना बड़ा गाय बन जाता है सौ किलो का दो सौ किलो का इंसान को अगर सौ किलो का बनना है तो कई साल लगेंगे ना राइट right? लेकिन क्या आप, आप अपने बच्चे को गाय या भैंस बनाना चाहते हैं अगर ऐसा कुछ है तो भाई आप हाथी का दूध पिला दीजिए और बड़ा बन जाएगा इंसान को इंसान ही रहने दें इंसान की स्पीड से ग्रो करने दें किसी भी चीज की स्पीड अगर ज्यादा तेज हो तो ज्यादा अच्छा है जरूरी नहीं है ट्यूमर कैंसर बड़ी तेजी से ग्रो करता है तो दैट इज ए सिकनेस राइट भगवान ने हर एनिमल का और हर ऑर्गेन का हर सेल का एक स्पीड ऑफ ग्रोथ तय किया है उससे तेजी से बढ़ना या बिल्कुल ना बढ़ना इन दिस इज कॉल्ड डिजीज बीमारी तो इसे बोलते हैं और हम खुद ही उसको पैदा कर रहे हैं मैंने कल आपको एक चैलेंज किया था आज उसको रिपीट कर देता हूं कि आप सिर्फ ये बोले कि जीवन भर तो मैंने दूध पिया है पंद्रह दिन के लिए मैं इसको छोड़ के देखता हूँ पंद्रह दिन मैं आपने आपसे पूछता हूँ फिफ्टीन डेज के बाद इट डी आई पी डाइट दैट मीन्स माइनस मिल्क राइट कैट्रैक्ट है ग्लूकोमा है दिस वैनिशन फ्यू डेज राइट सो दट इज अबाउट दिसक एक बार छोड़ के देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा छोड़ के इसको छोड़िए और डी आई पी डाइट अपनाइए ऑनली देन यू विल नो वॉट इज द डिफरेंस राइट जिनको डी आई पी जो लोग आज ऐसे लोग हैं जो लोग आज पहली बार आए हैं टूडे ओके जो लोग आज आए हैं जो कल नहीं थे तो कुछ ऐसे टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ फॉर एक्साम्पल डीआईपी डाइट तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा बट डोंट वरी बाई द एंड ऑफ टुमारो मैं बी चीज में जब मौका मिलेगा इनको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार और तो बाकी लोगों के लिए रिविजन हो जाएगा और आपको भी समझा जाएगा राइट तो मेरे दिमाग में है कि ये चीजें नहीं आ, आ रही होंगी आपको समझ लेकिन वो फ्लो को ब्रेक ना करने के लिए तो मैं उसको अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बट बाई द एंड आई विल एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम अगेन ब्रीफली वेरी वेरी ब्रीफली तो डोंट वरी अबाउट इट राइट सो एक इंपॉर्टेंट लेटर है कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्लांट कंट्रोल द ब्लड शुगर राइट कार्बोहाइड्रेट प्लांट से लीजिए कल बात कर रहे थे फ्रुक्टोज का फलों से जब फल आप खाएंगे हर फल में ग्लूकोज होता है लेकिन हर फल में एक और चीज़ होता है फ्रुक्टोज और फ्रुक्टोज क्या करता है वो ब्लड में घुल नहीं सकता है तो वो ब्लड शुगर को बढ़ा नहीं सकता क्योंकि ब्लड में घुल नहीं सकता है लेकिन फ्रुक्टोज कहाँ जा सकता है वो लीवर में जाता है उसकी मैकेनिज़्म ऐसे है कि वो ब्लड में घुलता नहीं है तो ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं राइट ब्लड ग्लूकोज़ ब्लड शुगर नहीं होता एक्चुअली वो बोलते हैं ब्लड ग्लूकोज वो बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि वो ब्लड में घुल नहीं सकता तो वो कहाँ जाएगा लीवर में जाएगा राइट right? लेकिन फ्रूट में ग्लूकोज भी होता है जो आपके ब्लड शुगर को बढ़ाएगा तो फ्रुक्टोज ब्लड शुगर को घटाएगा लीवर में जाके मैकेनिज़्म उसका ऐसा है ग्लूकोज बढ़ाएगा तो जब आपने फ्रूट खाया तो दो चीज़ चले गए एक ग्लूकोज गया दूसरा क्या गया, गया? फ्रुक्टोज और पेट में जाके ग्लूकोज तो ब्लड वेसल के रास्ते चला गया और फ्रुक्टोज बोलता है मेरा रास्ता ये है मैं लीवर के रास्ते चला जाता हूँ अब ग्लूकोज ने ब्लड शुगर को बढ़ाया जो आपने ग्लूकोमीटर में रीड किया और ये तो बढ़ा आ रहा है फ्रुक्टोज ने लीवर के रास्ते जाके मैकेनिज्म शुरू किया और दो से तीन घंटे के अंदर उस ग्लूकोज को घटाने का काम कर दिया लेकिन आप क्या करेंगे कि इमीडिएटली बाद देखेंगे तो ग्लूकोज बढ़ावा मिलेगा लेकिन ओवरऑल दिन का देखेंगे तो ग्लूकोज आपका ब्लड शुगर आपका घटा हुआ दिखेगा गेटिंग द पॉइंट तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि इमीडिएटली बात क्या हो रहा है इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल आपका ब्लड शुगर किस तरह से रह रहा है ओवरऑल राइट right? ओवरऑल पूरे दिन भर का 24 घंटे का ब्लड शुगर किस तरह से रह रहा है जया जी आई है यहाँ पे कल जिनका यहाँ पे वो लगाया था आप आइए जरा देखते हैं क्या है आपका कैसा रहा आज का आपका पूरा दिन राइट right? कल का कल आपके बॉडी में हमने एक स्कैनर लगा दिया एक चिप फिट कर दिया चिप और वो चिप क्या है जब आप सो रहे हैं जाग रहे हैं खा रहे हैं राइट right? तो पूरे दिन भर का क्या ब्लड शुगर रह रहा है हर पल क्या रह रहा है एक एक मिनट एक एक सेकेंड वो पूरा कुछ इनके वो चिप डेटा इकट्ठा कर रहा है राइट और वो डेटा इकट्ठा कर रहा है और वो डेटा क्या है इस टूल की ये मैंने उससे कलेक्ट कर दिया है आपके इन चिप से कल ही कलेक्ट कर दिया था तो अभी देखते हैं कि कितना इनका पूरे 24 घंटे का कल से आज तक का रीडिंग रहता है आप पिछले तीन साल से इंसुलिन ले रहे थे लास्ट थ्री इयर्स से इंसुलिन पे थे थ्री इयर्स तब थे लेकिन कल इंसुलिन लिया आपने नहीं लिया अच्छा है तीन साल से इंसुलिन पे थे उससे पहले दवाइयों पे थे राइट अभी यहाँ के शिविर में आप हैं है ना राइट सो so, और लेकिन कल आपने इंसुलिन नहीं लिया और जो कि तीन साल में पहली बार इंसुलिन नहीं लिया तो और आज आपका ये डेटा देखिए आपका हाँ ये पूरे दिन का डेटा अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम uh, जो मिनिमम गया है वो है 100 125 ठीक है ना 125 मिनिमम गया है और मैक्सिमम जो गया है एक बार ये जो देख रहे हैं ना एक बार थोड़ी देर के लिए राइट और वो मुझे लगता है वो सुबह uh, गया है दैट इज़ अबाउट टू मैक्सिमम राइट तो एक सौ पच्चीस टू फिफ्टी यू कैन टेक द पिक्चर राइट हाँ ये पिक्चर लेके स्क्रीन पे आप दिखा सकते हैं सब लोग देख लेंगे हाँ यू आर सींग देखिए मैक्सिमम यहां पे जो गया है वो 250 तक गया है एक बार राइट प्रोबेबली जब आपने ब्रेकफास्ट किया होगा तब थोड़ा बढ़ गया लेकिन फिर अपने आप नीचे आ रहा है और इंपॉर्टेंट बात है कि आप इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट थे पिछले तीस साल से तीन साल से लेकिन कल आपने इस लेक्चर में आने के बाद इंसुलिन नहीं लिया और इंसुलिन नहीं लेने से आप क्या हो रहा है इनकी बॉडी में अब यहां पे देखिए ये कमिंग लेस देन वन फिफ्टी लेस देन वन फिफ्टी राइट सो ठीक है ना थैंक यू अरे अरे तो 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 अब क्या है है कि कि अगर अगर सिर्फ एक 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 बार बजे लेते हैं उसमें दिखता लगता यार ये ज़्यादा की तरफ लग रहा लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पूरे दिन में ट्रेंड क्या है इंपॉर्टेंट थिंग राइट फुल डे का ट्रेंड क्या है और जब सो रहे हैं तब ट्रेंड क्या है तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्वेंटी फोर आवर ट्रेंड तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो प्लांट कार्बोहाइड्रेट प्लांट यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से जब आप खाएंगे खासतौर पे फ्रूट्स जैसे आम है वो खाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज होता है फ्रुक्टोज इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल टू कंट्रोल द ब्लड शुगर एंड टू क्योर द डायबिटीज पेशेंट बनाना है केला है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज होता है तो वो आपकी मदद करेगा आपके शुगर की बीमारी को भगाने के लिए राइट right? तो उल्टा है ये जो डॉक्टर बोलता है उसका ठीक उल्टा करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे तो डॉक्टर के पास जाना है आपको पूछना है क्या क्या करना क्या, क्या क्या नहीं करना है वो ये नहीं करना है ये नहीं करना है ये नहीं करना है, है सारा लिख के लाना है फीस भी देना है ठीक उसका उल्टा कर दीजिए सब ठीक हो जाएगा right, so, so आपने अभी प्रैक्टिकली देखा भी यहाँ पे तो आपको ये सीढ़ी पकड़नी है कि जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको हर दिन फल खाना थोड़ा सा फल से काम नहीं चलेगा दो किलो तीन किलो पाँच किलो जितना मन करे जब तक पेट ना भरे जी ना भरे तब तक खाना है कई कई बार खाना है एंड इफ़ यू कैन डू इट राइट देन यू विल सी आपने अभी एक एग्जाम्पल देखा लाइव कि कैसे एक दिन के अंदर वो जो इंसुलिन ले रहे थे, थे तीन साल से यहाँ शिविर में आपका यही ऑलरेडी करा रहे हैं मैंने पूछा डॉक्टर गुलाब से शिविर में आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ही खिला रहे हैं आठ दिनों दिनों से खिला रहे हैं लगातार खिला रहे हैं राइट तो मैं जब अभी एयरपोर्ट से आ रहा था तो जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे मैंने कहा कि आप तो सब वही चीज कर रहे हैं जो मैं बताने वाला हूँ तो मेरे लिए तो कुछ नई चीज मतलब ऑल द थिंग्स यू आर ऑलरेडी डूइंग इट राइट लेकिन कई बार लोगों को मैंने देखा जो एजुकेटर्स हैं उनके लिए जो आगे इनको बताना चाहते हैं बॉडी को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन दिमाग को कौन ठीक करे पहले उनके दिमाग को ठीक करना पड़ेगा राइट right? उसी के लिए सारे ये एक्सप्लेनेशन है ठीक तो बॉडी हो ही जाता है ये ये सिंपल चीज़ आप करते ही हैं लेकिन दिमाग को घुमा के फिरा के वो जर्नल का नाम वो वो साइंटिस्ट का नाम वो फलां डॉक्टर का नाम तब तब जाके दिमाग को लगता है कुछ भारी भरकम है <laughs> तो बस मैं वही कर रहा हूँ मैं कोई नई नया चीज़ या कोई आविष्कार नहीं है ये ऑलरेडी सादगी से लोग करते ही आए हैं जमाने से करते ही आए हैं बस यस तो दिस इज वन वन स्टेट टू टेक एक इंटरेस्टिंग सांप है जो हर इंडिया में हर किचन में पाया जाता है कुकिंग का सांप किसी भी घर में जितना ज्यादा समय महिला लगाएंगी अपने किचन में उतने ज्यादा बीमार रहेंगे घर के सारे लोग राइट तो महिलाओं को किचन में क्या काम भाई आप जाओ जल्दी से आ जाओ अगर आपने ये किया कोई बीमार नहीं हो सकता गए और पांच मिनट में जो कर पाए किया लेके आ गए बस ये एक रूल फॉलो कीजिए बीमार कोई कैसे रहेगा उसको पकाएंगे तड़का लगाएंगे <laughs> फिर पकाएंगे मसाले डालेंगे तभी ना टाइम लगता है और मतलब ये कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं गया गए धोया आ गए राइट इफ यू कैन डू इट डोंट हीट द फूड मच राइट हम क्या करते हैं फूड को हीट करते हैं खाने को हीट करते हैं और बॉडी को ठंडा रखते हैं देखिए इसी में अंदर बैठते हैं जानवर क्या करता है खाना खाता है फिर धूप में जाके अपने आप को गर्म करता है राइट right? तो आपको कुक करना ही है तो पहले खाना खा लीजिए फिर धूप में बैठिए भगवान कुक करेगा ना राइट सो थैंक यू सो वी हैव टू डू द कुकिंग बट इन रिवर्स पहले खाओ फिर कुक कुक होने दो राइट right? हम उल्टा करते हैं पहले हम कुक करते हैं उसको जितना ज्यादा सिलेंडर का खर्चा है उतनी ज्यादा दवाइयों का खर्चा है सिलेंडर का खर्चा आप फिफ्टी परसेंट करके दिखाइए मैं बता दूंगा क्योंकि दवाई खर्चा में फिफ्टी परसेंट अपने आप हो जाएगा राइट हंड्रेड परसेंट बदलने को नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं फिफ्टी परसेंट ही बदल जाइए उतने में भी आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगी तो ये जो सांप है कुकिंग का इस सांप को धीरे धीरे घर से किचन से थोड़ा बाहर फेंकने की कोशिश कीजिए इसकी जगह आप लीजिए ये सीढ़ी सनशाइन धूप की सीढ़ी और अनफॉर्चुनेटली इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कोई विटामिन डी की दवा या कोई और चीज की रिप्लेसमेंट है ही नहीं दुनिया में कई बार ऐसे मेरे मेरे पास पेशेंट आते हैं जो कि ऐसे देशों में रहते हैं ऐसे कंट्रीज में रहते हैं ऐसे कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हैं जहाँ धूप नहीं है कनाडा का एक जगह से कि धूप ही नहीं है तो क्या करूँ तो मैं बोलता हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इफ़ हेल्थ इज इंपॉर्टेंट देन वेल्थ देन यू हैव टू टेक ए डिसीजन एंड यू हैव टू गो अवे फ्रॉम दैट कोई ऐसी जगह जहाँ सनलाइट नहीं है वो हमारे लिए बनी नहीं है राइट तो वो आपको एक एक डिसीजन लेना पड़ेगा सनलाइट का कोई रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता फिलहाल तो कोई है नहीं तो आप देखिए कि पूरे दिन भर में क्या मैंने अपने बॉडी को थर्टी मिनट्स सनशाइन में एक्सपोज किया अगर तो नहीं फिर आप हेल्थ के हकदार नहीं राइट उतना एक्सपोज बहुत ज़्यादा नहीं ज़्यादा करें तो अच्छा है सिंपल ये कीजिए कि यहाँ से घर जा रहे हैं कम से कम खिड़की कार के खुला रखिए इतना तो करना आसान है सुबह का नाश्ता कर रहे हैं बालकनी में बैठ के छत पे बैठ के कर लिया इतना तो कर ही सकते हैं लंच कर रहे हैं ऑफिस में तो लंच हम अपने सीट पे ना करके बाहर जहाँ धूप निकल रही है वहां बैठ के कर लें ये छोटे छोटे बदलाव करेंगे तीस मिनट ना सही पंद्रह मिनट धूप तो एक दिन में देख ही लेंगे मतलब एक कोशिश करनी पड़ेगी ज़्यादा डिस्टर्ब ना करके अपने लाइफ को फिर भी हम इनको इस वाली सीढ़ी को थोड़ा बहुत तो चढ़ ही सकते हैं राइट स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे आज से ही राइट सो टेक दिस लेडर And there is no replacement for this ladder, right? Thank you. जो जिम्मेदार है दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज अमंग रिपोर्ट 60% परसेंट वर्ल्ड हार्ट डिजीज पेशेंट्स आर इंडियंस अगर 100 लोग हार्ट की बीमारी से मरते हैं पूरे दुनिया में 60 लोग वो इंडियंस हैं और बाकी चालीस लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड और इसकी लिए इसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ एक सांप इस सांप को जो मैं अगला सांप दिखाने जा रहा हूं अगर उठा के बाहर फेंका तो हार्ट की बीमारी आपके घर में नहीं आ सकती तो ये सांप से मिलिए द नेक्स्ट स्नेक इज स्नेक बहुत ही इंटरेस्टिंग सांप है देखिए आप इसको कैसे भगाएंगे वो आपका काम है मैं बस पहचान करा रहा हूं इससे इट इज कॉल्ड स्नेक ऑफ फैट फैट एनिमल फैट एंड प्लांट फैट देखिए मेडिकली ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस मतलब जो डॉक्टर को पढ़ाया जाता है और एक है जर्नल में मेडिकल साइंस दोनों अलग अलग है जो डॉक्टर को मेडिकल साइंस पढ़ाया जाता है उसको उन, उनको बोलते हैं ऑल फैट आर सेम ऑल प्रोटीन्स आर सेम ऑल कार्बोहाइड्रेट आर सेम सोर्स कुछ भी हो वो प्लांट से आ रहा है एनिमल से आ रहा है लेकिन फैट इज़ फैट जबकि एक्चुअल मेडिकल साइंस जो है वो ये बोलता है कि नहीं फैट कहाँ से आ रहा है उस पर डिपेंड करता है फैट कैसा है मैं आपको उदाहरण देता हूँ मान लीजिए कोई भी एनिमल से आप एक फैट निकालिए दूध से निकालिए फैट या चिकन से या अंडे से निकालिए और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे अंदर रख दीजिए राइट तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो दिखेगा आपको वो ऐसा दिखेगा बिल्कुल सीधी सीधी डंडियाँ दिखेंगी आप कोई फल से साफ निकालिए फल से फ़ैट निकालिए फ्रूट्स या वेजिटेबल से फैट कंटेंट को निकाल लीजिए और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालिए जो दिखेगा आपको वो ऐसा दिखेगा अब देखिए टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा ऐसा दिखेगा राइट एनिमल फैट प्लांट फैट अब अगर ये दोनों में आपको दे दूँ और बोलो इसमें कौन सा आप फटाफट एक के ऊपर एक अरेंज कर सकते हैं एनिमल फैट नंबर वन प्लांट फैट नंबर टू कौन सा कर सकते हैं इसको आसानी से बिकॉज इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है स्ट्रेट अब एक इंपॉर्टेंट बात अंडरस्टैंड कीजिए हमारा ब्लड वेसल है जिसमें ये दोनों फ्लैट ट्रेवल कर रहे हैं और इंडियंस की बात करें राइट तो हमारी टेंडेंसी देखेंगे कि ज्यादातर इंडियंस की पेट बाहर निकला है और जो पतले हैं उनके भी पेट निकले हुए हैं दैट इज वॉट एंड दैट इज वन इंपॉर्टेंट कॉज दैट इज ऑयल जितने आप जो लोग अलग अलग दुनिया घूमे हैं उन्होंने देख, आपने देखा होगा कि ऑयल का इंटेक इंडियंस में बाकी जगह से कई गुना ज्यादा है और ऑयल क्या करता है वो यहाँ पे पेट के अंदर स्टिकीनेस पैदा करता है चिपचिपाहट राइट और जो भी चीज आर्टरीज में फ्लो कर रही है वो वहां चिपकता रहेगा चिपकता रहेगा राइट वो फैट फ्लो कर रहा है अब देखिए फैट जब फ्लो कर रहा है ये एनिमल फैट का चिक चिपकना आसान है या ये टेढ़ा मेढ़ा प्लांट फैट का चिक, चिपकना आसान है फर्स्ट या सेकेंड इट कैन स्टिक वेरी क्विकली बिकॉज इसका सर्फेस एरिया इसको ज्यादा टच करेगा इसका सर्फेस एरिया टेढ़ा मेढ़ा है तो इसके चिपकने का चांसेस कम है राइट सो एनिमल फैट इज ए कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर जैसे डेयरी प्रोडक्ट है वह एनिमल फैट है चिपक सकता है लेकिन चिपकेगा भी तब जब यहाँ पे चिपचिपाहट हो और चिपचिपाहट तब हो जब इन द फूड इज विद लॉर्ड ऑफ ऑयल एंड दैट गिव्स यू बिग स्टमक बड़ा स्टमक जो आपको देता है पतले लोग हैं उसका भी स्टमक बड़ा होता है, right? right? है यूज करना चाहिए आप तो वही जो सबसे सस्ता है क्योंकि कोई भी ऑयल जब आप उसको हीट करते हैं सब ऑयल का केमिकल स्ट्रक्चर सेम हो जाता है एक ही तरह से नुकसान करता है तो हेल्थ का नुकसान तो सभी में एक ही जैसा कम से कम पैसा तो बचेगा नाइट ठीक right? है कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं तो मैं यही बोलता हूँ कि उसको कम से कम यूज़ कीजिए जहाँ जहाँ हो सके ना यूज़ कीजिए यूज़ करेंगे दुनिया में ऑयल बहुत कम जगह यूज़ होता है राइट right? और मेरा जब मैं न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट में होता हूँ कई बार तो देखता हूँ कि लाइन जो है काफ़ी लंबी है लेकिन देखता हूँ कि मेरी टर्न बड़ी जल्दी आ गई क्योंकि लाइन लंबी है लोग कम है उनके बाकी तो स्टमक है ना जगह जो घेर रहा है इसका विपरीत मेरा हर महीने कम से कम एक बार मैं वेतनाम जाता हूँ दस पंद्रह दिन का मेरा वहाँ पे आ, इस तरह के कॉन्फ्रेंसेज होते हैं वहाँ देखता हूँ छोटा सा लाइन है इतने से लाइन में इतने सारे लोग फिट हो जाते हैं सारे लोग पतले पतले वहाँ भी हार्ट डिजीज़ इतनी है डायबिटीज़ भी इतनी है लेकिन वहाँ कारण कुछ और है राइट एनिमल फूड है लेकिन वहाँ पे ऑयल नहीं है तो अगर आपने ऑयल हटा दिया तो ये स्टमक हट जाएगा राइट कितने दिन में एक महीने में राइट इल गो अवे राइट right? नहीं रह सकता तो आपको बस ये करना है कि जो एनिमल फैट एंड ऑयल का जो ये सांप है इसको घर से बाहर पूरी तरह ना ही फेंक पाए आप खिड़की के सामने छोड़ सकते हैं ना थोड़ा भगा सकते हैं दूर तो कर सकते हैं ना मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जाके हंड्रेड परसेंट कर पाएंगे लेकिन ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट कहीं से भी शुरुआत करेंगे ये सोच रखेंगे कि मुझे इसको लिमिट करना है थोड़ा कम करना है तो वो शुरुआत हुई दैट इज बिग गुड शुरुआत तो हो ही गई क्योंकि आपने आज यहाँ पे आए ये भी एक शुरुआत का ही पार्ट है कि part, जो सबसे बड़ा साइंस है उस पर हम आ रहे हैं जिससे आप जो मैंने दोनों दिन में बताया उसको कंक्लूड कर पाएंगे उसको जोड़ पाएंगे आपस में तो अगला जो पांच मिनट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे दोनों दिन को जोड़ने के लिए जो भी कंस्पिरेसी है जो भी मेडिकल साइंस है इसको पूरी तरह समझने के लिए एक लाइन में अगला पांच मिनट बहुत फोकस कीजिए ध्यान से देखिए एक कहानी है देखिए 1922 का सबसे साइंस एक बहुत बड़ा जर्नल है साइंस उसमें आया 1922 में विटामिन ई डिस्कवर्ड इन ग्रीन लीव्स विद मेजर हेल्थ बेनिफिट कि विटामिन ई जो है जो कि हरे पत्तों में पाया गया है उससे हेल्थ अच्छा होता है ये आया ठीक है ना तो साथ में ये भी देखा गया कि 1993 की बात है कि जिन जिन के ब्लड में विटामिन ई e ज्यादा है उनका हार्ट डिजीज कम है अब मान लीजिए आप बिजनेसमैन मैन है आप क्या करेंगे कि विटामिन ई e से हेल्थ अच्छा होता है और एक और जर्नल में आया विटामिन ई e ज्यादा हार्ट डिजीज कम आपने क्या किया प्लांट से ग्रीन वेजिटेबल से विटामिन ई e निकाला एक डब्बे में डाला और आपको डब्बा दिया दे, देखो भाई विटामिन ई e, आप बोले क्यों लूँ मैं फिर आपको दोनों जर्नल दिखा दिए कन्विंस हुए कि नहीं हुए जनरल बोल रहा है ये बेच रहा है मेरा हेल्थ है मुझे जीना है मेरे पास पैसे हैं तो दैट इज दैट इज हाउ इट हैपन्स लेकिन अब आगे बढ़ते हैं लोगों ने लेना शुरू कर दिया जो सप्लीमेंट की दुनिया है न्यूट्रलाइट है और फॉर uh, लाइफ है और कौन सा इस तरह कई सारी कंपनीज है अब पीपल दे स्टार्टेड और अभी से नहीं है सालों साल से है कई कई डैकेट से वो कंपनियां हैं जो कि एक सोच से कि ये सप्लीमेंट लेंगे ये टॉनिक लेंगे ये कैप्सूल लेंगे ये विटामिन ई विटामिन सी विटामिन ए ये सब लेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड हेल्थ इंप्रूव होना चाहिए राइट तो लोग लेने लगे जैसे यूएस में सेवेंटी परसेंट लोग कोई ना कोई सप्लीमेंट लेते ही लेते हैं यहाँ तो कम लेते हैं राइट अब यहाँ तक बात आई दुनिया में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है अनबायस्ड उनमें से एक है कॉकरेन सी ओ सी एच आर एनी कॉकरेन कॉकरेन कोलाबोरेशन जब भी आपको सच्चाई जानना हो तो कॉकरेन कोलाबोशन टाइप करेंगे तो कॉकरेन का नियरेस्ट सेंटर है मलेशिया पिनांग पिनांग मेडिकल कॉलेज तो वहाँ अभी मेरी ट्रेनिंग हुई है इस, इस इस सब्जेक्ट पे कि कैसे हमें ये पता चले कौन सा साइंस हमें लेना है कौन सा नहीं लेना है कौन सा बायस साइंस है कौन सा बिकावा साइंस है कौन सा रियल साइंस है तो वो जो है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है कॉकरेन जो कि वाकई में बहुत ही अच्छा रिपोर्टिंग करती है तो आप गूगल में टाइप करेंगे कॉकरेन कोलाबोरेशन तो वेबसाइट आ जाएगा फिर जो भी आपको पूछना है ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए किसके बाद दवा देना चाहिए वो जो रियल साइंस है उसमें आपको दिखेगा तो काफी सारे मैंने वहां से भी आर्टिकल उठाए जो आपको आगे देखने को मिलेगा खैर तो कॉकरेन जैसे कोलेशन वो क्या करती है नजर रखती है कि ऐसे लोग जिन्होंने विटामिन ई विटामिन सी ये सब कैसू लेना शुरू कर दिया और ऐसे लोग जिन्होंने नहीं लिया अब क्या होता है तो आगे देखिए 2008 देखिए 2008 में देखा गया कि विटामिन ई e, अगर सप्लीमेंट के फॉर्म में लेंगे तो वो हार्ट डिजीज बढ़ाएगा और विटामिन ई e, अगर आप नेचुरल फॉर्म में बॉडी में अपने आप आता है तो हार्ट डिजीज घटाएगा तो सेम विटामिन ई है लेकिन दो अपोजिट फंक्शन है डिपेंड ऑन कि उसका सोर्स क्या है दैट इज समथिंग जो कि पिछले दस साल में ही सामने आया है चाइना स्टडी जो रिसर्च के थ्रू उससे पहले यह था कि विटामिन ई मीन्स विटामिन ई कहीं से भी ले लो लेकिन अब यह क्लियर हुआ है कि भाई कहां से आ रहा है दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट सो ये

इंग्रीडियंट है बट सोर्स क्या है राइट right? लैनचेट और ये मेटा मेटा एक होता है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आर सी टी लेकिन इससे भी ऊपर होता है मेटा मेटा एनालिसिस कई सारे ट्रायल होते हैं उनसे बड़ा ट्रायल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल उन सब ट्रायल का कंक्लूजन मेटा एनालिसिस और वो अगर मेटा एनालिसिस लैनचेट में आ रहा हो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में आ रहा हो तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है वो बहुत ही ज्यादा वो प्रेस्टीजियस साइंस है राइट सो दिस इज द रिपोर्ट सो और इस तरह के जर्नल ऑफ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूटेंप्लीमेंटेशन एन कैंसर रिस्क सो ये सारे जितने भी हैं बहुत सारे ट्रायल्स हैं उसका कंक्लूजन यही है कि विटामिन कौन से सोर्स से आता है दैट मेक्स द डिफरेंस अगर वो विटमिन एक्सट्रैक्ट करके एक डब्बे में डाल के आपको देंगे तो जिस बीमारी में वो बचा रहा था आपको वही वाली बीमारी आपको पैदा कर देगा राइट right? जो कि आज तक मेडिकल को नॉलेज नहीं थी लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले दस साल में ये चीज़ नई चीज़ सामने आई राइट right? सो so, ये सारे वही रिपोर्ट हैं लेकिन ऐसा करता क्यों है ऐसा होता क्यों है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ कंक्लूजन ये कि कंक्लूजन ये कि जो भी न्यूट्रिएंट uh, है न्यूट्रिशन है वो अगर नेचुरल सोर्स से आता है तो बॉडी को फायदा करता है लेकिन उस न्यूट्रिशन को वहां से हटा देते हैं डब्बे में डाल देते हैं तो जिस बीमारी में फायदा करने वाला था वही वाली बीमारी को वो पैदा कर देगा पॉइंट इसको मैं एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं मान लीजिए गाड़ी है कार है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जो आपको आगे ले जाती है बताइए उसमें कौन सा पार्ट है पुर्जा कौन सा इंजन आप बोलते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंजन क्योंकि यही हमें आगे ले जाता है ठीक है तो मैं आपको क्या करता हूं इंजन इंपॉर्टेंट इंजन उठाया निकाला गाड़ी से दे दिया बैठ जाओ इस पर आगे ले जाएगा क्या बोले जाएगा तो इंजन तभी आपको आगे ले जा सकता है जब उसमें बाकी और टूल्स भी हैं बाकी और पार्ट्स भी हैं तभी जाके वो इंजन इंजन वाला काम करता है ठीक इसी तरह से एक सेब है एक सेब के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन हैं करीब 50 तरह के अलग अलग मिनरल्स है विटामिन फाइटो हैं राइट ये सारे मिलके बनती है कार इसमें से विटामिन सी निकाला और डब्बे में डाला तो विटामिन सी वैसे ही हो गया जैसे इंजन को निकाला और बाहर रख दिया अब उसमें बैठ गया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब भी हम आगे बढ़ेंगे राइट सो ये समझिए कि हां ये बिल्कुल सही है कि ये सारे न्यूट्रिशन आपके हेल्थ को इंप्रूव करेंगे लेकिन तब जब वो एक होल का एक पार्ट हो ना कि अपने आप में एक अकेला हो तो ये बात जो साइंस को समझने में लास्ट दस साल में ये समझ आई बात लेकिन ये जो बात समझ आई है ये किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या न्यूट्रिशन कंपनी के फायदे की बात नहीं है तो वो जनरल तक तो सीमित रह गया लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में आया ही नहीं राइट सो दैट्स बट साइंस साइंस इज वो कहीं भी आए या ना आए राइट वो आपको पता नहीं है सो यू डोंट नो अबाउट इट बट दिस इज द ट्रूथ विच इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस ट्रूथ क्लियरली एस्टैब्लिश दैट द साइंस इज यू हैव टू टेक द न्यूट्रिशन इन द सेम फॉर्म As as is is produced by the nature, as is produced by the God, only then you can expect the protection from it, and that is what the scientific finding says, right? इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जिससे आपको बात समझ आएगी 1999 गुंटूर ब्लॉबल नोबल प्राइज विनिंग साइंस उन्होंने ये बताया कि जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं उस खाने के अंदर उस दाने के अंदर एड्रेस कोडिंग होती है ताकि वो जब बॉडी में ट्रेवल करेगा तो कौन से ऑर्गन में जाएगा कौन सा काम करेगा और कौन से ऑर्गन का कौन से सेल का पार्ट बनेगा एड्रेस कोडिंग उसी में जैसे उन्होंने जब नोवल प्राइज विनिंग साइंस के लिए जब उनको नोवल प्राइज मिल रहा था तब उन्होंने एक भाषण दिया था भाषण में जो उदाहरण यूज किया था आई एम यूजिंग द सेम एग्जाम्पल आप यहाँ पे करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में आप चिट्ठी लिखते हैं अपने दोस्त को जो कि लंदन में बैठा है उसका नाम लिखते हैं एड्रेस लिखते हैं कंट्री का नाम लिखते हैं पिन कोड लिखते हैं तो आउट ऑफ करोड़ों लोगों में वो चिट्ठी उसी के पास जाती है ना क्योंकि उसका एड्रेस परफेक्टली लिखा हुआ है राइट right? ठीक इसी तरह से जो भी खाना खाते हैं उसमें एड्रेस सिग्नलिंग कोडिंग कहते हैं वो बना होता है विच डिसाइड्स कि बॉडी में कहाँ जाके कौन सा काम करना है नो रेजिंग साइंस गुंडरूल ग्लोबल राइट सो so, अब इमेजिन कीजिए आपने चिट्ठी लिखी उसमें दोस्त का एड्रेस वगैरह लिख दिया लेकिन वो गलती से कहीं पे पोस्ट करते हुए या आगे जाके ट्रांसपोर्टेशन में वो चिट्ठी कहीं से फट गया या थोड़ा सा आग लग गया उसमें एड्रेस का एक पार्ट दिख नहीं रहा राइट और सिर्फ गली नंबर नहीं दिख रहा बाकी सब दिख रहा है और पोस्टमैन को लगा अशोक शर्मा गली नंबर तो गायब है तो उसको चार अशोक शर्मा पता है तो रैंडमली वो चार में से किसी एक को दे देगा तो वन फोर्थ चांस हो जाएंगे कि राइट आदमी को मिले या ना मिले अब मान लो वो शर्मा भी गायब हो गया अशोक अशोक नाम के दस लोगों को जानता है उन दस में से किसी एक को देगा वन टेंथ जितना एड्रेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा उतना उसके राइट right जगह पे पहुंचने के चांसेस कम होते जाएंगे वेरी सिंपल ठीक इसी तरह से जब भी किसी फूड को आप कुक करते हैं कुक करते वक्त उसका न्यूट्रिशन उतना का उतना रहता है लेकिन उसकी जो सिग्नलिंग कोडिंग है जो एड्रेस कोडिंग है वो धीरे 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 धीरे, धीरे इनविजिबल होने लगती है दिखना बंद हो जाता है तो वो फूड पेट में तो जाता है लेकिन ये समझ नहीं आता आप जाए कहाँ राइट right? तो दैट बिकम्स द डिजीज दैट इज अगनेस तो इसीलिए द सेम एज आई टोल्ड यस्टरडे अगर खाने को आप खा रहे हैं देख रहे हैं कि उसमें सिग्नलिंग सिस्टम पूरा है एड्रेस कोडिंग पूरा है तो आप बीमार नहीं रह सकते और जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएंगे बीमार होंगे नहीं और अगर हैं तो वो ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों की बात है मैटर ऑफ फ्यू डेज सो

सो so, जिस तरह से आप मारुति का टायर चेंज करेंगे तो उसका साइज़ डिसाइड है कौन सा साइज़ लगे कोई भी और टायर या कोई भी और चाबी किसी और गाड़ी में वो फिट नहीं बैठेगी वो जुगाड़ी होगा तो जब भी आप कोई भी दवा लेते हैं तो हमारे बॉडी का जो मैकेनिज़्म है उसके खिलाफ वो काम करता है सो so, अब क्या करें तो पहला स्टेप तो ये है कि दवा को छोड़ना पड़ेगा लेकिन दवा को छोड़ें कैसे तो मैं दवा का नाम लूंगा एक करके उसको छोड़ने का तरीका क्या है राइट दवा को छोड़ना अगर इमीडिएट छोड़ेंगे तो वो कुछ बैड इफेक्ट हो सकता है इसलिए नहीं कि दवा कुछ फायदा कर रहा था इसलिए क्योंकि आपके बॉडी को दवा की लत लग, लग चुकी थी पॉइंट राइट सो हाउ टू थ्रो द मेडिसिन सबसे पहले आता हूँ सबसे ज्यादा बिकने वाला मेडिसिन सबसे पुराना दुनिया का सबसे पुराना पिछले एक 125 साल से बिक रहा है मेडिसिन एस्पिरिन एस्पिरिन राइट एस्प्रिन की कहानी आप सुनेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है एटीन पहली दवा दुनिया की एस्प्रिन राइट तो इंसान ने देखा बिजनेसमैन ने देखा कुछ जानवर जैसे हिरन है भालू है जब भी उनको चोट लगती है वो एक खास तरह के पेड़ एस्पिन पेड़ में जाते हैं उस पेड़ के छाल को रगड़ते हैं खाते हैं और उनको ठीक होने उन लगते हैं और वो न, फिर वो रिलैक्स करने लगते हैं तो एक दिन साइंटिस्ट ने क्या किया वही वाला लकड़ी वो एस्पिन नाम का ट्री उसका वो छाल लिया उसका चाय बना के पीने लगे देखा यार श्रद्वत तो गायब हो गया ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है राइट तो मतलब उनको ये मिल गया कि ये जो जानवर हैं ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो वाले पेड़ के छाल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर जाए तो इमिडिएटली पेन में रिलीफ करेगी राइट और वो पेड़ का नाम है एस्पिन या फिर वो पेड़ है वाइट विलो ऐसे कई सारे पेड़ जाती हैं जिसमें यह काम होता है कई सारे कोई एक नहीं कई सारे हैं अब अगर ये चीज आपको पता चल जाए किसी को भी पता चल जाए तो आप क्या करेंगे उस वाले पेड़ से वो छाल लेके रख लेंगे और जब भी आपको जरूरत पड़े पेन वेन में वो खा सकते हैं इसका बिजनेस नहीं बन सकता राइट आप बिजनेस करेंगे कि मैंने स्पिन बेच रहा हूं क्योंकि इससे आपका पेन रिलीफ होगा आप बोलेंगे मुझसे क्यों खरीदेंगे मैं पेड़ से खुद नहीं ले लूंगा इट कैनॉट बी कन्वर्टेड इन टू बिजनेस तो उन्होंने फिर क्या किया कि देखा कि इसके अंदर एस्पिन के अंदर क्या केमिकल ऐसा है जिसकी वजह से ये पेन रिलीफ होता है तो उस उन्होंने देखा उसके अंदर निकला दैट इज कॉल्ड सिलेसिन सिलेसिन नाम का एक केमिकल तो उस केमिकल की वजह से पेन रिलीफ होता है अब ये जो केमिकल है वो भगवान ने बनाया नेचर ने बनाया और नेचर की बनाई हुई कोई चीज कोई पेटेंट नहीं कर सकता राइट क्रटिंग द पॉइंट उसको आ, वो 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 तो भगवान ने बनाया उसका पेटेंट का अधिकार किसी के पास नहीं कि मैं ही यूज करूंगा ये मैं ही बेचूंगा वो कोई ही बेच सकता है तो फिर बेयर्स नाम की कंपनी ने क्या किया कि इससे मिलता जुलता एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक केमिकल बनाया जिसका मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसा ही हो एसिटाइल सेलिसिक एसिड और इसको नाम दे दिया एस्प्रिन राइट एटीन में और ये नहीं बताया कि एस्प्रिन आया कहां से बताया कि ये दवा लोगे तो आपकी आपका पेन रिलीफ होगा गेट इन द पॉइंट राइट जबकि सेम काम करता है सिलेसिन सेम काम करता है कुछ लकड़ी के टुकड़े वही वाला काम करता है लेकिन लकड़ी के टुकड़े से व्यापार नहीं हो सकता क्योंकि वो पेटेंटेबल नहीं है कॉपीराइटेबल नहीं है राइट लेकिन इससे भी ये पेटेंटेबल है एसिटाइल एलिसलिक एसिड क्योंकि ये कोई और नहीं बना सकता अगले कुछ सालों के लिए क्योंकि ये उन्होंने आविष्कार किया है गेट इन द पॉइंट तो ये यहां तक बात चली अब 1899 1918 में आपको कुछ लोगों को ध्यान होगा राइट आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा एक बहुत बड़ा फ्लू हुआ था इंसान का राइट फ्लू और उस फ्लू में करीब पचास मिलियन पांच करोड़ लोगों की डेथ हुई थी राइट फ्लू की वायरल फ्लू की वजह से राइट वर्ल्ड वॉर के समय और 2008 में ये पता चला कि वो डेथ फ्लू की वजह से नहीं हुई थी जब फ्लू हुआ था उस समय तब डॉक्टरों ने वो नया नया आया जो एस्प्रिन था वो देना लोगों को शुरू किया और एस्प्रिन के साइड इफेक्ट की वजह से इतनी सारी मौतें हुई थी करोड़ों मौतें राइट ये ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्श डिजीज ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये फाइंडिंग है 2008 में राइट कि जो करोड़ों लोग जो मारे गए दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द एस्प्रिन कि जिस तरह के साइड इफेक्ट हुए थे वो फ्लू का साइड इफेक्ट नहीं फ्लू की डेथ एक अलग तरीके से होता है सडन डेथ हुआ था वो एस्प्रिंट की वजह से सुबह वो ठीक है और रात तक वो मर भी गए अचानक डेथ राइट हाई डोज ऑफ एस्प्रिन कैन कॉज सडन डेथ राइट इतना ब्लड थिन हो जाएगा अचानक इंटरनल ब्लीडिंग होती है अचानक द पर्सन डाइड करोड़ों में हजारों में नहीं लाखों में नहीं करोड़ों लोग मरे थे और विच वॉज डिस्कवर्ड इन टू फ्लू का डेथ का जो सिम्टम है वो डिफरेंट होता है एस्प्रिन डेथ का सिम्टम वो डिफरेंट होता है तो उस वक्त के जो सिम्टम थे विद डेथ डेथ ना कि फ्लू नंबर नंबर 1982 में जॉन वेनों इनको नोबल प्राइज़ मिला इन्होंने ये दिखाया कि एस्प्रिन से कितने भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं उस पर पूरी इन्होंने रिसर्च की जिसके बेसिस पे उनको नोबल प्राइज मिला बोलने का मतलब है कि 1918 की बात करें 1982 की बात करें या अभी की बात करें यह एस्टैब्लिश्ड है कि एस्प्रिन एक पॉइजन है राइट और इसको लेने से कितना खतरनाक चीज़ हो सकती है और इस तरह के पूरे जो जर्नल्स हैं इसकी पूरी लिस्टिंग है मेरे पास राइट सारे जर्नल्स की कि एस्प्रिन से क्या क्या गड़बड़ हो सकता है और वो एक्चुअली इंसान के लिए बना ही नहीं है तो एक तरफ तो ये चल रहा था लेकिन अब दिमाग में आएगा जब इतने सारे सबूत सामने तो ये बिकता क्यों है मार्केट में क्यों है डॉक्टर क्यों देते हैं मनी पावर एक साल में एसप्रीन का जो पिछले साल का जो अगर आप देखेंगे सेल दैट इज टेन थाउजेंड करोड़ रुपीज वन पॉइंट टू सेवन बिलियन डॉलर एक साल का सिर्फ एक दवाई का एक कंपनी और ऐसे कई सारे दवाइयां हैं उनके पास तो, तो दैट मनी पावर जो कि सारा लॉ रूल को ओवरलुक कर सकता है बट साइंस में अगर देखें तो ये सारी साइंस दूर से आपको दिखेगा नहीं लेकिन ये सारे साइंस में आपको आई कैन गिव यू राइट तो एफ ने मजबूर होकर दो में एक नियम निकाला कि जिनको हार्ट अटैक नहीं आया है उनको एस्प्रिन नहीं लेना है प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए एस्प्रिन नहीं है ये इंसान ये एफडीए की रूलिंग आई है 2014 में कि अगर आप हार्ट अटैक आपको नहीं आया ब्रेन स्ट्रोक नहीं आया तो आपको एस्प्रिन की जरूरत नहीं एस्प्रिन आपके लिए खतरनाक है तो जो लोग आप में से एस्प्रिट ले रहे हैं तो अपने आप से पूछिए क्या मुझे हार्ट अटैक आया है सोचिए नहीं वो तो आया नहीं तो नियम अनुसार ही आपको नहीं लेना है मतलब बाई लॉ नहीं लेना है राइट सो बाई चॉइस नहीं लेना है वो डॉक्टर ने अगर आपको बताया तो उसने गलत बताया है बाई लॉ गलत बताया है right? राइट वैसे तो गलत है ही है ये लेकिन अब एक और कारण हो गया नहीं लेने का भाई वो एफ बोल रहा नहीं लेना तब राइट कॉकरेन टू थाउजेंड एट बोल रहा है नहीं ले रहा है कौन बोल रहा है लेना है सिर्फ एक इंसान बोल रहा है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन आपको कल मैंने बताया था अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की वो किताब किसी ने देखी गूगल में अमेजोन में डाल के जाके देखी आपने राइट तो सिर्फ वही लोग बोल रहे हैं दो लोग की लेना चाहिए प्राइमरी प्रिवेंशन में अब आपके पास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आप हॉस्पिटल के मालिक हैं आपको पैसा कमाना है राइट तो आप इन दोनों में से किसकी बात मानेंगे पहला या दूसरा किसकी बात मानेंगे एक बोल रहा लेना है एक बोल रहा नहीं लेना है अफकोर्स जो बोल रहा लेना है उसकी बात मानेंगे ना क्योंकि उससे बिजनेस होगा आदान प्रदान होगा वो एक्सप्रिन लेगा तो अभी तक का जो रूलिंग है वो सिर्फ इतना है कि अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तभी आपको लेना है उसके पोस्ट ताकि अगला हार्ट अटैक ना हो तो तब भी वो बेबी एस्प्रिट बोलते हैं दैट इज मिनिमम डोज इंडिया में 75 है बाहर एटी एम जी है राइट तो ये तो हुई एक बात तो अब इससे एक और जुड़ा हुआ सवाल आता है ये सारे मेडिकल के रिपोर्ट्स हैं इससे कोई मतलब जो बार बार ये बोलते हैं कि एस्प्रिन किसी को भी नहीं लेना चाहिए लेकिन अगर उसकी बात छोड़ें एफ डी एज हाइस्ट अथॉरिटी को मान भी लें तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक अभी आया था जिंदगी में कुछ लोग हैं एक दो तीन चार पाँच है ना तो ये पाँच लोग ऐसे हैं या दस लोग ऐसे हैं जो इस रिपोर्ट के हिसाब से उनका एस्प्रिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए लेना चाहिए ना और बाकी लोगों के लिए नहीं लेना चाहिए तो पक्का ही है प्रिवेंशन के लिए अब आप में से जिन लोगों ने हाथ खड़े किए आपको एस्प्रिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और ले तो ये डिसाइड करना है। अगर तो लेंगे एस्प्रिन, तो एस्प्रिन क्या करता है हार्ट कार्डियक हार्ट से डेथ को घटाता है राइट ये ट्रू है ये मेडिकली देखा गया लेकिन लेकिन इंटरनल ब्रीदिंग से डेथ को बढ़ाता है तो आप कैसे मरना चाहेंगे मरना, <laughs> मरना है तो अच्छा, है ही आपको हार्ट अटैक से मरना है तो एसिड मत लीजिए अच्छा हार्ट अटैक से डर लगता है तो इंटरन बीडिंग से मरना तो आप एसिड लीजिए <laughs> मरने का टाइम वही है मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ एक रिसर्च आप और मैं मिलकर कर सकते हैं कि कैंसर के पेशेंट की कैंसर से मरने को कम करें कैंसर से डेथ को घटाना है हम रिसर्चर हैं राइट तो एक मैंने नया रिसर्च किया है कि अगर दसवें फ्लोर से कैंसर के पेशेंट्स को गिरा दो तो कैंसर से डेथ कम हो जाएगी कुछ समझ आ रही है बात हमें मतलब कैंसर तो नहीं मरना चाहिए फिर बात की बाकी कैसे ही मरे वो तो सवाल सिर्फ इतना कि क्या हार्ट अटैक से मर रहा है नहीं मर रहा है क्यों वो तो पहले ही मर चुका है ना इंटरनल ब्लीडिंग से हार्ट अटैक की नौबत ही नहीं आई ना सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये मैनिपुलेशन समझिए ये जरूर है कि एस्प्रिन लेंगे तो हार्ट अटैक अगला आएगा नहीं क्योंकि उससे पहले आप मर चुके होंगे ब्लीडिंग से राइट सो इसलिए अगला हार्ट अटैक नहीं आएगा क्योंकि वो अगला हार्ट अटैक आने में जितना समय था उससे पहले से ही एसप्रिन इज किलिंग यू ऑफ अदर डिजीज दैट्स वॉट दिस रिपोर्ट से अब दुविधा में पड़ गए कम से कम वो दस लोग कि एफडीए तो बोल रहा है लो लॉजिक बोल रहा है नहीं लो क्या करें तो मैं एक बीच का रास्ता बताता हूँ आज घर जाके क्या करना है डॉक्टर बोल रहा है लो वो अगर नहीं लेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा आपकी ऑथॉरिटी नाराज होगा हेल्थ इंश्योरेंस में दिक्कत आएगी हजारों चीजें हैं घर को क्या समझाएं तो मैं एक बीच का तरीका बताता हूं आपको एस्प्रिन लेना है घर का बना हुआ आइस्प्रिन लेना है एस्प्रिन लेना है घर का बना हुआ एस्प्रीन लेना है इंपॉर्टेंट ब्लड थिन ही तो करना है ना आपको यही तो मेन मकसद है ना एस्पिरिन ब्लड थिनर ब्लड थिन होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी दैट इज द फंक्शन तो ब्लड थिन करने के लिए एस्पिरिन लेते हैं सेलेसिन सेलेसिन जो होता है उसके अंदर का केमिकल वो लेते हैं वो कैसे मिलेगा उसको मिलने के लिए ये रहा आपके सामने फॉर्मूला जिंजर अदरक राइट गार्लिक लहसुन टर्मरिक हल्दी राइट इतना सा जिंजर इतना सा ही टर्मरिक और एक क्लोव एक क्लोव अगर गार्लिक आप लेंगे रात को सोने से पहले उसको कूट के खाएंगे तो आपने आइसप्रीन ले लिया डॉक्टर बोलेगा लेते हो डॉक्टर साहब मैं रोज लेता सोने से ले पक्का ही लेता हूं राइट तो एस्प्रिन ले रहे हैं आप लिटरली ले रहे हैं राइट तो इस फॉर्म में आपको एस्प्रिन लेना है अच्छा इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है कोई साइड बेनिफिट है इसका साइड इफेक्ट है बट इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट राइट कैसे इसका मैं बताता हूँ एस्प्रिंट क्या करता है ये, ये नेचुरल स्प्रिंट ये नेचुरल एस्प्रिन बन गया क्योंकि जिंजर के अंदर जो केमिकल केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिंजरोल गार्लिक के अंदर एलेसिन और करक्यूमिन टर्मरिक के अंदर ये तीनों केमिकली एक्टिव चीजों को जब मिलाएंगे तो ये ब्लड को वैसे ही थिन करेगा जैसे स्प्रिन करता है तो वही वाला केमिकल बन गया राइट और ये सारी चीजें तो मेडिकल जर्नल्स में ऑलरेडी लिखी हुई हैं राइट दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन द मेडिकल जर्नल वो अगर आपको रिसर्च पेपर चाहिए तो आपको मैं एक लिंक दूंगा अभी आगे उसमें लिंक इज आई थिंक हेयर राइट दिस इज द लिंक इस लिंक में जाएंगे तो इस लिंक में आपको बिशरूक डॉट कॉम स्लैश एच आई बी राइट इसमें ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी राइट right? तो रिसर्च पेपर मिल जाएगा और एस्प्रिन आप ले रहे हैं लेकिन आप घर में बना रहे हैं उस एस्प्रिन को उस एस्प्रिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमसुन लहसुन नहीं खाने वाले कुछ लोग हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं तो लहसुन नहीं खा रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं इसका भी ऑल्टरनेटिव है राइट सो so, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है दैट इज क्लोव राइट क्लोव क्लोव को लौंग लौंग लीजिए एक और उसको लहसुन की जगह डालिए लौंग में एक अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट है यूगनॉल लेकिन यह भी मिलेगा तो वही ब्लड थिनिंग काम करेगा जो कि एस्प्रिंट करता है लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट साइंस है कि कंडीशनल ब्लड थिनिंग कंडीशनल ब्लड थिनिंग करेगा राइट कंडीशनल ब्लड थिनिंग क्या है वो आप समझिए राइट कंडीशन ब्लड थिनिंग इज़ मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के आ, मैं एक बार सिंगापुर एयरपोर्ट में वेट कर रहा था आठ घंटे का वेटिंग पीरियड था अगले फ्लाइट के लिए तो वहाँ पे मशीनें होती हैं कुछ ऐसा हो सोफा जो खुद ही मसाज, मसाज चेयर्स एक डॉलर डालो तो मसाज करना शुरू कर देगी तो चलो भाई टाइम पास करना है बैठ गया और ऑटोमेटिक है कोई है नहीं वहां पे केयर टेकर पैसा डालो अपने आप चालू कर देगी तो जैसे ही पैसा डाला पता नहीं उसमें क्या था उसने पैर को पकड़ लिया अच्छी तरह से अब वो एक घंटे से पहले छोड़ेगी नहीं <laughs> और ऊपर से क्या था चांस की बात है कि मुझे चोट भी लगी हुई थी और वो चोट है कुछ भी हो वो ऐसे मड़ोर मड़ोर के <laughs> तो बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई आपका आपसे जो प्यार करता है वो जब मसाज करेगा तो ये ध्यान रखेगा कहाँ चोट है कहाँ दर्द है कहाँ ज्यादा कहाँ कम लेकिन जो मसाज मशीन एक बार शुरू होगा तो एक वो प्रोग्राम हो गया एक घंटे बाद ही रुकेगा वो तो जब ब्लड थिनर आप लेते हैं स्प्रिन तो उसको ये नहीं पता कि कहाँ ब्लड थिन करना है कहाँ पर नहीं करना है ओवरऑल बॉडी में ब्लड थिन कर देगी जैसा कि उसका काम है लेकिन जब हम नेचुरल ब्लड थिनर लेंगे जो मैं बता रहा हूँ तो वो कंडीशनल ब्लड थिनर है राइट जहाँ पे क्लॉटिंग होने वाला है वहाँ पर उसका इफेक्ट आएगा ना कि पूरे उसमें राइट right? उसके मेडिकल जर्नल्स की रिपोर्ट में दिखाता हूं कि जब ये वाला लेंगे तो पूरी तरह से हर जगह थिन नहीं होगा मान लो कहीं चोट लग गई तो वहां ब्लड थिन होगा तो खून बहता रहेगा लेकिन ये वाला ब्लड थिनर लेंगे तो वहां पे नहीं वहां पे क्लॉटिंग होगी बिकॉज वहां पे आपको ब्लड थिनिंग की जरूरत नहीं है कंडीशनल ब्लड थिनिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट और मान लो आपको ये भी नहीं लेना तो एक और

कितना टमाटर ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं खास तौर पे मंगवाया आपके लिए तो रात को सोने से पहले आप ये चार टमाटर खाएंगे आपका डॉक्टर फ़ोन करेगा हाँ डॉक्टर साहब मैं वो ब्लड थिनिंग वाली गोली ले रहा हूँ और अ, एंटी अर्थमीदिया जो है ना उसकी भी गोली ले रहा हूँ ट्रैकिंग आटी उसका भी गोली ले रहा हूँ और और मुझे लगता है कि हार्ट की बीमारी जो दी है सारी गोलियाँ मैं खा रहा हूँ राइट ये रही आपकी सारी गोलियाँ तो 300 ग्राम जब आप खाएंगे और इस तरह से खाएंगे तो जाके इफेक्ट करेगा अगर इसको पकाएंगे आप कुक करेंगे तो वो फूड है लेकिन इसको अगर इसी फॉर्म में इतने ही ग्राम खाएंगे मतलब एक अच्छा खासा 300 ग्राम इज समथिंग राइट तो जाके दैट इज और ऐसा रोज करेंगे तो दैट इज ब्लड थिनर कंडीशनल ब्लड थिनर राइट और सो so, जो हार्ट का ट्रैक कार्डिया दैट इज जो हार्ट बीट जिनके ठीक नहीं रहते हैं वो सब ये ठीक करता है और एक इंपॉर्टेंट बात नाइट्रिक ऑक्साइड कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल आपको बॉडी को नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने में मदद करता है लेकिन सबसे ज्यादा मदद करता है दो चीज़ें नंबर वन ग्रीन लीव्स हरे पत्ते तो हरे पत्ते अगर रोज खा सकते हैं कितना करीब आपके बॉडी वेट के हिसाब से मान लो मेरा बॉडी वेट सत्तर के है तो सेवेंटी ग्राम इन लंच और डिनर राइट हरे पत्ते और हरे पत्ते और दूसरी चीज वो है लाल टमाटर राइट सो ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तो बोलने का मतलब है कि आप जब ले रहे हैं ये सिर्फ ब्लड थिनिंग ही नहीं कर रहा है कंडीशनल ब्लड थिनिंग आपके हार्ट बीट को सिंक्रोनाइज ही नहीं कर रहा है बल्कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करके आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज कर रहा है तो एक तीर से इतने सारे निशाने निशान हो गए लेकिन ये खाना पड़ेगा अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोग ऐसे हैं जो कभी अपनी जिंदगी में एक साथ चार टमाटर खाए हों तो कम लोग निकलेंगे कभी कभी लेकिन इसको रोज का पार्ट बनाना यू हैव टू डू इट सो और ऐसा करते हुए अगर आप पंद्रह दिन कर पाते हैं फिफ्टीन डेज ट्वेंटी डेज एंड देन यू सी हाउ योर हार्ट इज हेल्पिंग यू राइट सो दीज आर द्री डिफरेंट फॉर्म एंड इन विच यू कैन टेक एसप्रिन एंड दीज मैंने ये वही वाले फॉर्म लिखे हैं जो मेडिकली वैलिडेट कर सकते हैं हम राइट नुस्खे नहीं है ये नुस्खे साइंस में कब बदल जाता है जब उसका कोई एविडेंस होता है राइट नुस्खे भी काम करते हैं और नुस्खे ही साइंस में बदलते हैं जब वो एविडेंस बन जाता है राइट वो जो एस्पिन पेड़ का जो मैंने एग्जाम्पल रहा था वो नुस्खे थे जानवरों के लिए लेकिन उसको रिसर्च कर दिया तो वही साइंस बन गया राइट इतना ही फर्क होता है कोई रिसर्च पेपर साथ में हो तो दैट बिकम्स अ साइंस सो दिस इज अ साइंस तो आपके पास इस वक्त तीन एस्पिन के तरीके हैं पहला तरीका दूसरा तरीका तीसरा तरीका तो रोज़ आज जरूर खाइए लेकिन इस फॉर्म में खाइए राइट इफ़ यू कैन डू इट राइट यू कैन सी द रिज़ल्ट विद इन विद इन फ्यू डेज़ ओवरऑल एनर्जी योर हार्ट कंडीशनिंग योर ब्लड प्रेशर सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा किसी एक चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा सो दिस इज़ ऑल मेडिकली अप्रूव थिंग मेडिकली वेलीडेटेड थिंग्स राइट और इसके सारे के जो रिसर्च पेपर है यहाँ टाइम बचाने के लिए मैंने इसमें उसको डाल दिया है अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्योंकि आखिरी में रखा है

कुदरत के पास उसके कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो इमीडिएटली रिवाइव कर सकता है जो कि एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है अभी कुछ समय से सामने आया है उनमें से एक चीज जो इमीडिएटली आप कर सकते हैं अपने किचन को हॉस्पिटल बना सकते हैं दैट इज वन थिंग पहले मैं एक चीज ये कवर कर लेता हूं देन आई कम टू दैट तो आप में से दस लोगों ने हार्ट रेस uh, किया था जिनको हार्ट अटैक आ चुका है राइट right? कुछ लोगों ने अभी हाथ रेस किया था उनके लिए एक एक एडिशनल चीज आप नेचुरल एस्प्रिन लेना शुरू कर दें जो मैंने बोला लेकिन अभी जो करंट एस्प्रिन ले लें उसको ख़त्म करना है तो उसको खत्म क्या करना है जो लोग हार्ट अटैक के पेशेंट हैं हार्ट अटैक आ चुका है उनके लिए सिर्फ बोल रहा हूँ बाकी लोग इसको इग्नोर कर दें जिनको हार्ट अटैक कभी नहीं आया है वो एस्प्रिन अभी से आज से ही छोड़ सकते हैं लेकिन जिनको आ चुका है एक एक, 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 एक एपिसोड वो आज से कैसे छोड़ना है वो मैं बता रहा हूँ बेबी एस्प्रिन सबसे छोटा वाला स्प्रिन खरीदिए इंडिया में है तो सेवेंटी फाइव बाहर है तो एटी एम उसको लीजिए उसका आधा कीजिए टुकड़ा कीजिए और पहला टुकड़ा आज लीजिए अगला टुकड़ा टुकड़ा चार दिन बाद लीजिए फिर चार दिन बाद लेने के बाद अब अगला टुकड़ा पांच दिन बाद लीजिए फिर अगला टुकड़ा छः दिन बाद लीजिए फिर अगला टुकड़ा छः के बाद सात दिन बाद लीजिए ऐसे करते करते जब दो टुकड़े के बीच में दस दिन का फासला हो जाए तब उसको छोड़ दीजिए ये याद रखिए जब आप कोई आइसक्रीम आज लेते हैं तो वो बॉडी के अंदर कितने दिन तक रहता है पंद्रह दिन तक वो बॉडी में घूमता है फिफ्टीन डेज रहता है उसका इफेक्ट फिफ्टीन डेज राइट सो so, ये छोटी सी बात है इसको आपको समझना है उसको अप्लाई करना है यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर अब आता है हार्ट अटैक जिससे हम जिसके खतरे से डर के ये सारी दवाइयाँ हम लेते हैं कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए कहीं ब्रेन स्ट्रोक ना आ जाए राइट right? सो so, लेकिन आपने देखा है जो लोग दवाइयों पर रहते हैं उन्हीं में से लोगों को तो हार्ट अटैक आता है राइट वो दे आर नॉट प्रोटेक्टेड एट ऑल लेकिन एक साइकोलॉजी रहती है कि शायद मैं मेरा कुछ प्रोटेक्शन हो रहा है सो so, हार्ट अटैक के वक्त इमरजेंसी में वॉट इज मेडिकलीक्लूजन ऑफ टूड राइट केनिन पेपर इसको कहते हैं लाल मिर्च राइट और इसके अंदर एक्टिव इन्ग्रीडियंट कैपेसियन कैपेसिसिन राइट दैट इजिव इंट केमिकल नाम है राइट लाल मिर्च के अंदर और वो कैसे काम करता है जैसे ही वो जीप में जाता है वो ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ी से बढ़ाता है ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ाता है और ब्लड क्लॉटिंग को इमीडिएटली कहीं ब्लड क्लॉट हो रहा हो बड़ी तेज़ी से उसको रोकता है ये तीन एक्शन है उसके राइट तो लाल मिर्च हिंदी में बोलेंगे उसको राइट तो जैसे ही पहला सिम्टम आता है हार्ट अटैक का पहला ऐसा लगता है पसीने छूट रहे हैं बहुत तेज से दर्द हो रहा है राइट ऐसा लग रहा है कोई हार्ट वैसे निचोड़ रहा है तो द फर्स्ट सिम्टम में अगर वो लाड मिर्च को चबाना शुरू कर देंगे चबाना शुरू कर देंगे तो इट टेक्स सिक्सटी सेकेंड्स राइट सिम्टम को रिलीव करने में पहला सिमटम आते ही चबाना शुरू करना है साठ सेकंड के अंदर वो रिलीव होगा रिलीव होने के बाद फिर चबाना रोक सकते हैं सो दिस इज वॉट इज मेडिकली प्रूवन साइंस कि इससे हार्ट अटैक को इमीडिएटली सिक्सटी सेकेंड में यू कैन हॉल्ट इट यू कैन स्टॉप द हार्ट अटैक देर विद इन सिक्सटी सेकेंड्स तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भगवान का दिया हुआ आपका किचन ही आपका हॉस्पिटल आप देखिए चाहे हम हार्ट डिजीज़ की बात करें चाहे ब्लड प्रेशर की कल बात की या ब्लड शुगर की बात की या आपके कोलेस्ट्रॉल की बात किया या हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक की बात की हर चीज़ का इलाज आपके किचन के अंदर है सिर्फ़ एक बात है कि वो चीज़ बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो वो फैलता नहीं लोग बताते नहीं है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है साइड बेनिफिट्स हैं राइट कई सारे और चीज़ सेंसली ठीक होती है देर इज़ नो साइड इफेक्ट ऑफ दीज थिंग्स एंड दीज ऑल आर इक्वली मेडिकली एस्टेब्लिश्ड एज द कन्वेंशनल मेडिसिन राइट जो सारे सबूत चाहिए होते हैं वो सबूत सारे कुछ हैं और वो सारे सबूत आपके पास भी अवेलेबल है अभी क्योंकि मैंने आपको अपना लिंक बता दिया बेशरूप डॉट कॉम स्लैश एच आई बी उसमें जाके राइट right? तो कल जो हम बात करेंगे कि आपके किचन में ऐसे छब्बीस चीज़ें कौन सी हैं जो जिसको फॉर्मूला बना के हर बीमारी में आप यूज़ कर सकते हैं राइट right? मैं एक आज बता देता हूँ बाकी सारे हम कल डिस्कस करेंगे जैसे मान लो हल्दी को हमने बात किया ये जर्नल्स के अलग अलग जर्नल्स के 2010 का 2012 का 14 का 2017 का कि ये देखा गया है कि जैसे किसी को फर्स्ट साइन ऑफ वायरल फ़ीवर होता है पहले साइन वायरल फ़ीवर का होता है अगर उसको हल्दी उसको कच्ची हल्दी पाउडर वाली नहीं वो चबा चबा के अगर वो लेगा तो द री क्विकली ये, ये जर्नल का रेफरेंस है और कौन कौन से वायरस इन पे इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी वायरस पर काम करेगा किसी भी वायरल फीवर में दिस हल्दी इट वर्क टू क्योर इट ये कोई नई बात नहीं है हमारे दादी माँ के नुस्खे आप बचपन में आपकी माँ ने और उनकी मदन ने ये सब बताते ही आए हैं मैं उन्हीं बातों को दोबारा से ही बता रहा हूँ तो नया कुछ नहीं बता रहा हूँ ये आपको आप आप करते भी होंगे घर पे मैं सिर्फ री एस्टेब्लिश कर रहा हूँ कि ये श्योर शॉर्ट तरीका है, ये हमेशा काम करता है ये अब भी काम करेगा पहले भी काम करता था लेकिन अब यह है कि इसके साथ एक मेडिकल साइंस का स्टा ठप्पा लगाती उससे अगर कॉन्फिडेंस बढ़ता हो तो दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू